कल की चर्चा में एक प्रश्न आया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार हैं कि कृष्ण है और राधा रानी के भाव में है, और अगर राधा रानी के भाव में हैं, सॉरी अगर राधा कृष्ण के अवतार हैं तो गदाधर पंडित भी तो राधा रानी के अवतार हैं। तो आज मेरे जब स्वाभाविक सी बातें रिसर्च चलती रही क्या है क्या है क्या है, फिर जब की बात उसको देखा गया तो सभी भक्तों से भी पूछा है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। हमने कल सुना था ना, एक दो हैं लेकिन फिर एक होगा है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं वो कृष्ण लेकिन राधा रानी के साथ में। एक बात आप कहेंगे फिर गदाधर पंडित प्रभु राधा रानी के रूप में क्यों आए, तो प्रश्न ये है कि क्यों नहीं आ सकते। और आपको समझना होगा कि राधा रानी भी के अवतार भी हैं और ललिता जी के भी अवतार हैं। कृष्ण कवि करुणापुर जी इसको गौर गणोदेश दीपिका में समझाते हैं। तो आप और अभी एक और भी पार्षद हैं वह भी ललिता जी के अवतार हैं। तो जो भौतिक इक्वेशन है कि मैं यहाँ बैठा हूँ वहाँ नहीं बैठा, वो आप आध्यात्मिक उसमें नहीं बिठा सकते हैं। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है एटलीस्ट मुझको कि क्यों ऐसा है, लेकिन ऐसा है इसको वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। श्लोक आपके सामने दिखते जा रहे हैं, मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था, पहले श्लोक में हमने छह तत्वों को प्रणाम किया था, गुरु वैष्णव और भगवान को सामान्य प्रणाम किया पहले वाले में, उसकी ही पहले और दूसरे की व्याख्या अध्याय में होगी डिटेल में, अभी केवल 14 श्लोकों को बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को जो भगवान है उनको विशेष रूप से नमस्कार किया। उसके बाद तीसरे में वस्तु निर्देश किया गया कि जो उपनिषद में ब्रह्म के रूप में निरूपित है, जो परमात्मा सभी के हृदय में है और जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान में कोई और नहीं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, भगवान कृष्ण है जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और चौथे श्लोक में भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना करी गई और भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण का वर्णन हुआ कि जो बहुत काल से जो ब्रज का प्रेम किसी ने नहीं दिया, अब उसका बहुत काल का क्या अर्थ है उसके लिए आपको अध्याय दूसरे की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वहां का वर्णन होगा। लेकिन बहुत काल तक जो भगवान का ब्रज का प्रेम नहीं दिया गया भगवान के द्वारा, उसको देने के लिए कलयुग में अपनी करुणा से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु आए, ये उनके बाह्य कारण था। और वो देखने में उनकी जो कांति थी वह तप्त कांचन से भी अधिक दीप्तिमान थी। और वो क्या आशीर्वाद दिया कि आपके हृदय रूपी गुफा में सदा ही श्रीमद् चैतन्य महापुरुष स्फुरित हो। तो मंगलाचरण के तीन भाग होते हैं, नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। तो ये तीन हमने कवर किया था, ठीक है। उसके बाद श्लोक क्रमांक 5 और 6 में उनके आंतरिक कारण था आने का, जिसमें बताया था कि राधा कृष्ण का प्रेम उनकी लादिनी शक्ति की वृत्ति है और राधा और कृष्ण एक आत्मा है, लेकिन अनादि काल से दो भेद हैं, भेद में ही सारे देह का भेद है, राधा कृष्ण स्वरूप से दो अलग दिख रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो जाने जाते हैं उनके रूप में वह एक होकर फिर से प्रकट हुए हैं। वह भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और द्युति को लेकर के प्रकट हुए हैं। द्युति का अर्थ होता है उनकी अंग कांति। क्यों प्रकट हुए हैं अगर ये प्रश्न हो तो उसको छठे श्लोक में बताया गया कि श्रीमद राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है और वो मेरी मधुरता को, भगवान कृष्ण की मधुरता को किस प्रकार से आस्वादन करती हैं वो जानना चाहते थे, और जब वो आस्वादन करती हैं तो उन्हें क्या सुख अनुभव होता है, ये भगवान कृष्ण के मन में क्या था, लोभ जग्या से जानने का। तो उसके कारण से वह शची माता के पुत्र के रूप में उपस्थित हुए, जैसे सिंधु से इंदु उत्पन्न होता है, सिंधु से चंद्रमा उत्पन्न होता है। प्रभु इतना तेज को समझा रहे हो, इसकी व्याख्या पूरा चैप्टर है, मैं खाली आप लोगों को परिचय दे रहा था इसलिए तेज तेज बता रहे हैं। तो ये 6 श्लोकों में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के तत्व का निरूपण हुआ। अब आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में सुनेंगे 5 श्लोकों में, और हम स्पीड सही बहुत तेज रहेगी क्योंकि इसकी व्याख्या पूरा हम लोग इस चैप्टर में कर चुके हैं, तो जो लोग पहले आए हैं वो जानते हैं इस बात को। हम खाली इसको बस टचअप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं एक भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए, संकर्षणः कारणतो यशायी गर्भो दशायी चपयोब्धिशायी। Have you not taken prasadam? Yes. Okay.
शेषश्च यस्यांश कलह स नित्या नन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु नन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। तो उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने, संकर्षण शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र गर्भ समुद्र तथा शीर समुद्र में शयन करते हैं वे इनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं, यानी कला। संस्कृत देख लीजिए, संकर्षण। संकर्षण भगवान कृष्ण से सबसे पहले विस्तारित होते हैं बलराम जी, और बलराम जी से आगे विस्तार होते हैं संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और वासुदेव, और वही संकर्षण फिर आगे विस्तारित करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में, और उसमें वहां पे संकर्षण आते हैं, फिर उन संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। तो ये संकर्षण जो है कि इनके अंश हैं नित्यानंद प्रभु के, बलराम जी के। कारण तो ईशाई आप तो समझते ही होंगे, कारण सागर में रहने वाले, कारण कारणों तक ईशाई विष्णु महाविष्णु तो पहचानते ना, ठीक है। गर्भोदशाई गर्भ सागर ब्रह्मांड के गर्भ में रहने वाले विष्णु, पयोधिशाई पय मतलब दूध, क्षीर सागर में रहने वाले शिरोदकश विष्णु, हरे कृष्णा वेलकम। यस, शेष शेषनाग, तो ये पांच लोग संकर्षण भगवान, कारणोदकश विष्णु, गर्भोदकश विष्णु, शिरोदकश विष्णु और शेषनाग जिनके कला हैं, वे नित्यानंद जो नित्यानंद राम के रूप में प्रसिद्ध हैं। नित्यानंद आख्य, आपने एक शब्द सुना है प्रख्यात, जो बहुत जाना जाता है, आप समझ में आया। नित्यानंद आख्य मतलब जो नित्यानंद के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं नित्यानंद राम के रूप में, वो राम वो बलराम मेरी शरण हैं, स्पष्ट है। तो ये इससे नित्यानंद प्रभु का तत्व समझ में आया। इसकी व्याख्या कब होगी, इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या हमने पहले कर दी है, ठीक है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्णेश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये, पूर्णेश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम, रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। अनुवाद पहले पढ़ता हूँ। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। श्लोक देख लीजिए वापस। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, माया के परे वैकुंठ लोक व्याप्त है, यानी कि माया का कोई प्रभाव वैकुंठ लोक में नहीं होता है। पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य, जैसे मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण से पहले विस्तार हैं बलराम जी, और उनके विस्तार हैं वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो बलराम जी उन चतुर्व्यूह में संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं, ये तत्व है उनका, और वह षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। रूपम यस्य उद्भाति संकर्षणाख्यम, जो जिनका रूप जो है संकर्षण के रूप में प्रसिद्ध है, वह आ सकते हैं, बैन नहीं है क्लास के लिए, आइए ठीक। उन श्री नित्यानंद राम को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नित्यानंद राम चतुर्व्यूह में, जो चतुर्व्यूह चार प्रकार के विष्णु हैं, उनमें संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध है। एक भक्त बोल रहे थे, हम तो सोचते थे एक ही विष्णु है, अभी तीन विष्णु, अब और कितने विष्णु सुनने पड़ेंगे। तो समझना होगा कि सारे विष्णु ही हैं, आप समझ रहे हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सब विष्णु तत्व ही हैं, ये अलग तत्व नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये नित्यानंद प्रभु है, ओके, ये नित्यानंद प्रभु के अवतार है। तो इसे आप समझ लेना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु अगर कहीं मस्ती कर रहे हैं, मस्ती बहुत करते हैं, वो बहुत मजाक करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि नहीं, संकर्षण भगवान उनके अंश है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ एक्सप्लेनेशन इन श्लोकों को देने का नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि हम जो पहले दो श्लोक हैं उनकी व्याख्या करें, जिसकी चैप्टर वन में हो चुकी है। इसके लिए आप, हम लोग इस पर पूरा अध्याय को पूरा पढ़ा चुके हैं, जितना डिटेल में संभव हुआ था, चैप्टर नंबर 5, उसकी फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं इसी ग्रुप में, अगर आप हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। डिस्को लाइट क्यों हो रही है, What is this? क्या नित्यानंद प्रभु चाहते हैं मेरी व्याख्या नहीं कर रहे हो, लाइट काट दूंगा मैं
टहनते नहीं, मेरा अंश संकर्षण भगवान है, क्या कर रहे हो, फूंक से उड़ा दूंगा। ठीक है, तो ये आप वहां पर श्रवण कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में एक बार पहली बार क्लास दे रहा हूँ, चाहे आखिरी बार क्लास दे रहा हूँ चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि मेरे पास अवकाश ही नहीं, इतना पढ़ाना है कि दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो जो क्लास लाइव नहीं सुनेगा उसको रिकॉर्डिंग से संतुष्ट रहना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतना सारा विस्तार है, भागवत पढ़ाना है, ये पढ़ाना, और यहाँ भी हम तात्पर्य नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए मैं खाली आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ताकि जब पढ़ें तो आपको थोड़ा सुविधा रहे पढ़ने में। दो श्लोक देख लिए नित्यानंद प्रभु के संबंध में, नवा श्लोक देखिए। माया भर्त जांड संघाश्रयांग, माया भर्त जांड संघाश्रयांग, शेते साक्षात कारण कारणां बोधि मध्ये, शेते साक्षात कारणां बोधि मध्ये, यस्य कांशः श्री पुमानादि देव, यस्य कांशः श्री पुमानादि देव, तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण दक्षाय विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। जरा देख लीजिए संस्कृत को, माया भर्ता, भर्ता मतलब स्वामी, पति, माया के पति हैं जो भर्त 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 ज अंड संघाश्रया अंग अंड संघ आश्रय, अंड मतलब ब्रह्मांड, संघ मतलब समूह और आश्रय, जो ब्रह्मांडों के समूह के आश्रय हैं, अंग किसके अंग हैं, नित्यानंद प्रभु के अंग। शेते साक्षात कारणाम बोधि मध्ये, शेते मतलब सोते हैं, जो साक्षात कारण सागर में, कारणाम बोधि मध्ये कारण सागर के मध्य में सोते हैं, एकदम हिंदी जैसा है, बिल्कुल कठिन नहीं है। यस्य कांशः श्री पुमान, एक बात में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, आंड भरत जांड संघाश्रय अंग, जिनका अंग, जिन महाविष्णु का अंग रोमकूप इत्यादि था ना शरीर अंग, वो सारे ब्रह्मांडों के समूह का आश्रय है, ये अर्थ था, क्षमा कीजिएगा अर्थ हो गया गलत। यस्य एकांश श्री पुमान, यस्य एकांश, जो ये महाविष्णु जिनके एक अंश मात्र है, यानी कि बलराम, बलराम जिसे चतुर्व्यूह, उसके बाद फिर चतुर्व्यूह, उसके बाद वो महाविष्णु के रूप, एक अंश, एक मात्र अंश हुए, एक अंश हुए। श्रीपुमान, श्रीपुमान मतलब लक्ष्मी जी के स्वामी, श्रीपुमान आदिदेव हैं, उन श्रीनाथानंद राम को मैं शरण ले रहा हूं। स्पष्ट, ठीक है, इसको डिटेल में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने खूब अच्छे से पढ़ा था इसको बंगाली प्यारों के संग, तो वहां आपको सीखना होगा, अब कुछ दिन पहले तो क्लास किया था। ठीक है, दसवां, यस्यांशांशः श्रील गर्भोदशायी, यस्यांशांशः श्रील गर्भोदशायी, येनाब्याब्ज येनाब्जम लोक संघात नालम, येनाब्याब्जम लोक संघात नालम, संधि करके बोलने से आसानी रहती है, ये यन्नाब, ये नहीं है, यन्नाब्जाम लोक संघात नालम, यन्नाब्यब्ज लोकम संघात नालम, लोक सृष्टु सूतिका धाम धात, लोक सृष्टु सूतिका धाम धात, श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनका, जिनके अंश गर्भोदकशाय विष्णु है, इन्हीं गर्भोदकशाय विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है, यह कमल की नाल होना चाहिए। यस्य अंशांशः, यस्य जिनके अंश के अंश, नित्यानंद प्रभु के अंश हैं महाविष्णु, और उनके अंश हैं, उनके विस्तार हैं गर्भोदकशाय विष्णु। यस्यांशांशः श्रील गर्भोदशायी, अरे भाई हीको मत कीजिए, क्या है विरह कातर आजुहा वस्त्र से, आपके कातर विरह में कातर होकर मोबाइल भी प्रतिध्वनि करने लगे। ठीक है कि नहीं, यस्यांशांशः समझ में आ रहा है, यस जिनके अंश के अंश
बलराम जी के अंश या नित्यानंद प्रभु के अंश हो गए महाविष्णु, उनके अंश हो गए श्रील गर्भोदशाई। गर्भोदशाई समझ में आता है? अब जो क्लास में रोज आते हैं वह तो समझ में आएंगे, लेकिन जो ट्यूशन पढ़ने चला जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए, पढ़िए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब रोज जब आएंगे तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा। गर्भोदकशाही मतलब ब्रह्मांड में शयन करने वाले गर्भोदकशाही विष्णु। कोई बात नहीं, मैं से विरोध कर रहा था, पढ़ो बेटा ट्यूशन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिनकी नाभि के अब्ज, जिनकी नाभि के नाभजम, अब्ज मतलब हुआ जल, कमल हुआ, अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कमल नाभि आबजम, कंफ्यूज करते हो आप क्लास में। यन नाभि आबजम, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से लोक संघात नालम, जो कमल की नाल थी उसमें सारे लोक समूह इत्यादि थे। आज मेरे पास समय नहीं था फोटो दिखाने का, क्योंकि फोटो हम पहले ही दिखा चुके हैं, बहुत बार फोटो दिखा चुके हैं, तो खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं। लोक सृष्टि हो, लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, उनका ये कमल क्या हो गया, सूतिका धाम। सूतिका ग्रह समझते हैं, जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो भगवान के बच्चे का जन्म, या कह सकते हैं ब्रह्मा जी जो भगवान के बच्चे हैं उनका सूतिका ग्रह क्या है, वो कमल ग्रहण कर रहे हैं। तो वो कमल ब्रह्मा जी के सूतिका ग्रह हो गया, सूतिका धाम हुआ। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उन नित्यानंद राम की शरण में हूं। तो नित्यानंद प्रभु को यहाँ पे मस्ती करते हुए, कौतुक करते हुए नहीं, भ्रमित नहीं होना है, इसलिए तत्व समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि आगे जाते हैं नृतामित में आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु कहेंगे जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनको प्रसाद के लिए अद्वैताचार्य जी ने न्योता दिया, तो महाप्रभु कहते हैं इतना सारा प्रसाद कौन खाएगा, और नित्यानंद प्रभु कहते हैं बस इतना ही, तीन दिन से भूखा हूं मैं, मुझे लगता है आज ही फास्टिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से वो विनोद कर रहे हैं, बहुत विनोद करते थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु के संग, महाप्रभु के संग नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो गए, पूरी जा रहे थे तो महाप्रभु थोड़ा आगे निकल गए तो एक दंडभंगा नदी है, तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने उनका दंड तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, कि ये दिखाने के लिए कि महाप्रभु को कोई संन्यास के चिन्ह धारण करने की जरूरत नहीं, तो वो तो पहले से ही परमहंस आश्रम में भगवान है। तो महाप्रभु ने कहा कि आपने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने कहा कौन सा दंड, कौन सा दंड, और अच्छा वो दंड, हाँ वो मैं उस पर खड़ा था और वो मेरे भार को सहन नहीं पाया, वो टूट सहन नहीं हो पाया, वो टूट गया, मैंने नदी में फेंक दिया। अब बड़े भाई हैं क्या करेंगे। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए, कहते हैं मेरे एक सन्यासी होने के नाते मेरे पास एक ही वस्तु थी, तुमने तोड़ दिया, अब मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, या तुम आगे जाओगे मैं पीछे, मैं या तो मैं आगे जाऊंगा, बताओ क्या करना। कहा ठीक है आप आगे जाइए, हम पीछे पीछे जाएंगे। तो ऐसा कौतुकी कर रहे हैं तो आप उसको जो है भ्रमित मत हो जाएगा। वहां पे भी चैतन्य भागवत में भी वर्णन आता है, ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा आप पे तो बहुत विश्वास है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि हमारा विश्वास जो है हिल जाता है। तो फिर वहां पे महाप्रभु का वर्णन करते हैं इस प्रकार से। तो बहुत सारी लीलाएं आप सुनेंगे, तो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि वो कोई पागल है, ऐसा कुछ है नहीं, वो स्वयं बलराम जी ही है और सारी सेवा के भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। एक पॉइंट आ जा रहा है, आएगा ही आगे। एक भक्त ने पूछा कि गुरु किसके प्रतिनिधि हैं, नित्यानंद प्रभु के या राधारानी के, दोनों में से किसी के भी। आचार्यों का मत यह है कि वे नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं और श्रीमती राधारानी के भी हो सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं है। नित्यानंद प्रभु भी किसी भी रस की में सेवा देने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब हाई फाई पॉइंट्स भी हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई डाउट आता है तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यही बात नहीं है, परमात्मा भी उनके अंश है। देखिए ग्यारहवें, यानी कि 7, 8, 9, 10 और 11 ये नित्यानंद प्रभु के रूप तत्व का वर्णन है। यस्यांशांशः परमात्माखिलानाम् पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी श्रोणी भर्ता यत् कलासोऽप्यनन्त तं श्रीनित्यानन्द रामं प्रपद्ये बड़ा अनुवाद पहले पढ़ लेता हूं। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं।
वे शिरोदकशाय विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं, शेषनाग उनके अंशांश हैं। तो देखिए ओके, यस्य अंशांश अंशांश, पिछले वाले में क्या सुना था, यस्य अंश अंश, तो उनके अंश कौन है, महाविष्णु, फिर उनके अंश कौन है, गर्भदक्ष विष्णु, और उनके अंश कौन है, शिरोदक्ष विष्णु, तो वो कौन है, परात्म खिलानाम, सभी अखिल, अखिल मतलब सभी जीवों के परमात्मा है, ठीक है, शिरोदक्ष विष्णु। पोष्टा है यानी कि पालक है, पुष्ट पोष्टा पालक है, विष्णु है, विष्णु भाति दुग्धाब्दिशाय, विष्णु के समान मतलब विष्णु के रूप में वह दुग्ध, दुग्ध मतलब होता है दूध, क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, किसके, भगवान नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश। अब आप लोग सोच रहे होंगे तब तो परमात्मा बड़े कमजोर हो जाती होंगे, भगवान में ऐसा नहीं धारणा करनी चाहिए कि अंश के अंश होंगे तो परमात्मा तो कमजोर होंगे, 1-1। एक बार ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ ना, नाम भूल के आप हलादिनी माता जी, एक लड़की का नाम क्या है, खुशी, हाँ ये बता बेटा 1-1 कितना होता है, अरे फेल हो गए आप कहाँ बैठी हैं और कौन प्रश्न कर रहा है इस पे ध्यान देना होगा, आपका मैथमेटिक्स का टीचर प्रश्न नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक जगत में चलिए पीछे पूछ प्रसवन कर देते हैं, आपको तो पता ही है केशव सखा प्रभु 1-1=1। देखो सीए होने के बाद मैथमेटिक्स नहीं आई इनको, इनको कैसे सेवा देंगे हम सीए की, आपको इतना भी नहीं आता है 1-1=1 बताते हो, प्रभु जी एक बात करो, ये बताओ कि आध्यात्मिक प्रश्न है कि भौतिक प्रश्न है, भौतिक प्रश्न है तो 1-1 चेक कर रहा था 1-1 0, लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रश्न है तो 1-1 1। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा बेचारे कमजोर हो गए अब क्या करें, ऐसा नहीं है, वही वही गर्भोदकशायी विष्णु है, वही महाविष्णु, बस थोड़ा कार्य अलग तरह से कर रहे हैं, ठीक है, भगवान से भगवान आते हैं तो भगवान कुछ कमजोर नहीं होते, हाँ वो अपने को विस्तार करते हैं तो उससे कुछ प्रयोजन होता है उस कार्य करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं, जैसे हमारे हृदय में बैठ करके ब्रह्मांडों को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है आप समझ में आए आपको, ऐसा नहीं कि शिरोदकशाय विष्णु अपने रोम कूपों से ब्रह्मांड बाहर नहीं निकाल सकते, वो यह भी कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल वह उपदृष्टा अनुमंता के रूप में परमात्मा के रूप में हृदय में है। थोड़ा बहुत मैं आपको तत्व बताता चल रहा हूं कि भगवान के किसी विष्णु स्वरूप में दूसरे विष्णु स्वरूप से कम शक्ति नहीं होती, वो अपनी इच्छा से बस उतनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जितनी वहां पर आवश्यकता होती है, ठीक है। छौणी भरता, छौणी का अर्थ हुआ जो पृथ्वी को धारण करने वाले, छौणी भरता यत कला सोप्य अनंतस, ये अनंत शेष के बारे में बोलना है, तो इनके जो अंश हैं परमात्मा के अंश ही है अनंत शेष, या नित्यानंद प्रभु के अंश हैं अनंत शेष, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उन श्री नित्यानंद राम की शरण में हूँ। तो कौन कौन है उनके अंश, संकर्षण भगवान, महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, शिरोदकशाय विष्णु और अनंत शेष, पांच लोग उनके अंश है। तो आप समझ सकते कि भले नित्यानंद प्रभु यहाँ घर घर जाकर बोल रहे हैं प्लीज हरे कृष्णा की जय, हम नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि हैं बहुत नम्र लेकिन हैं बहुत बड़े व्यक्ति, ठीक है। तो पांच श्लोकों में हमने नित्यानंद प्रभु के बारे में समझा, अब हम लोग 12 और 13 में शिला अद्वैत आचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके ऊपर भी प्रवचन हो चुका है तो व्याख्या तो आप नहीं एक्सपेक्ट कीजिए, केवल परिचय अनुभव की एक्सपेक्ट कीजिए। महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु जगत कर्ता, मायया यह सृजत्यदः, मायया यह सृजत्यदः, तस्यावतार एवायम, तस्यावतार एवायम, अद्वैत अद्वैताचार्य ईश्वरः, अद्वैताचार्य ईश्वरः, अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। महाविष्णु जगत कर्ता मायायः यह सृजति अधः, महाविष्णु हैं, वो महाविष्णु हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, जगत कर्ता मतलब जगत के बनाने वाले हैं, मायायः यह सृजति अधः, जो इस माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, भौतिक माया के द्वारा, स्वाभाविक सी बात है। तस्य अवतार एवा अयम, अयम अद्वैताचार्य, ये अद्वैताचार्य जी उन्हीं के अवतार हैं, किनके अवतार हैं, महाविष्णु के, जो जगत के कर्ता हैं और माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, और कोई व्याख्या नहीं मिलेगी यहाँ,
व्याख्या के लिए आप क्लास सुनिए। वो अद्वैताचार्य हैं, देखने में तो लग रहा है बुड्ढे हैं, आप कहेंगे अरे भगवान विष्णु तो बुड्ढे होते नहीं कभी, तो अद्वैताचार्य जी कैसे वृद्ध हो गए? अद्वैताचार्य जी को तो भगवान ने स्वयं ही वरदान दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि आपको कभी वृद्धावस्था बाधित नहीं करेगी। तो देखने में लग रहा है कि दाढ़ी है कुछ, लेकिन खूब नाचते हैं, पूरी रात नाच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भगवान की एक लीला मात्र है। तो अद्वैताचार्य जी एक जगह कहीं बोल रहे थे कोई भक्त कि केवल महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी को ही दाढ़ी रखना अलाउड किया है, क्योंकि वो बड़े थे इसलिए कुछ नहीं कहा। अरे आपकी है दाढ़ी, सॉरी आपके कोई आपकी तरफ कोई कटाक्ष नहीं था, लेकिन महाप्रभु को दाढ़ी पसंद नहीं है। सनातन गोस्वामी भी जो उनके मुख्य शिष्य हैं, साक्षात शिष्य हैं, जिनको स्वयं महाप्रभु ने 2 महीना शिक्षा दिया, 2 महीना, कैन इमेजिन? आप लोग कहेंगे प्रभु जी रोज क्लास क्यों करते हो, महाप्रभु ने 2 महीना शिक्षा दिया, 2 महीना। तो वह भी जब महाप्रभु से पहली बार मिले तो बोले छौर कराओ, छौर समझते हैं, शेव करा के रखो। अब इस ऑब्वियसली ये पुरुषों के लिए है, माता जी इसके लिए नहीं है, लेकिन बाल पे ध्यान है महाप्रभु का, ठीक है, बाल आपकी बाल और दाढ़ी पे ध्यान है महाप्रभु। तो यह मत सोचिएगा कि कोई समान व्यक्ति है, क्या कह रहे हैं, ईश्वर है, समर्थ है, ठीक है, अद्वैताचार्य जी के तत्व। और अब वे कह रहे हैं कि अद्वैत, अच्छा इनको अद्वैत क्यों कह रहे हैं और इनको आचार्य क्यों कह रहे हैं, इसकी व्याख्या 13वें श्लोक में कर रहे हैं। अद्वैतम हरिणाद्वैतात्, अद्वैतम हरिणाद्वैतात्, आचार्यम भक्ति शंसनात्, आचार्यम भक्ति शंसनात्, भक्तावतारम ईशम तम, भक्तावतारम ईशम तम, अद्वैताचार्यमाश्रये, अद्वैताचार्यमाश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्लोक देखिए, अद्वैतम हरिणा अद्वैतात्, इनको अद्वैत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हरि से, भगवान हरि से अभिन्न है। कौन? अद्वैत आचार्य। किनके अवतार हैं? महाविष्णु के। और इन्हें आचार्य क्यों कहते हैं? आचार्य भक्ति शंसनात्, प्रशंसा सुना है आपने, शंसा मतलब वर्णन करना कह लीजिए। तो आचार्य भक्ति शंसनात आचार्य इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सारे जितना भी कोई प्रवचन किया उसमें भक्ति को ही स्थापित किया और अपने आचरण से भी भक्ति को ही स्थापित किया। भक्तावतारम, लेकिन वह भक्त के अवतार के रूप में है, लेकिन ईशमतम, ईशमतम मतलब, एक मिनट रुकिएगा, ईशम का अर्थ है उन परम भगवान को, यही भगवान को, अद्वैताचार्य जी को, अद्वैत आचार्य आश्रय, वे मेरे आश्रय हैं, ये कृष्णदास कविराज उस समय कह रहे हैं, ठीक है। आप 14वां श्लोक, लेकिन ये मत सोचिए क्लास समाप्त हुई है, अभी तो क्लास शुरू होगी, 14 श्लोकों से तो आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था, अब क्लास शुरू होना चालू हो जाएगी, लेकिन अब कठिन नहीं होगा, ज्यादा संस्कृत नहीं, उसके बाद बंगाली बंगाली है। ये 14वां श्लोक भगवान के 5 तत्वों का निरूपण करता है। पंचतत्वात्मकं कृष्णं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं, भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं, भक्तावतारं भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं, नमामि भक्तशक्तिकं। इसका मैं केवल अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त रूपी, भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न है। अब इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल आगे जाके आएगा, मतलब 6ठे अध्याय के बाद में इसका आएगा, तो उसकी व्याख्या हम वहीं करेंगे अब जब होगा। अभी तो हम अब वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं श्लोक क्रमांक 15 पे, 15वां फाइल के लिए आप लोग कृपया दूसरी फाइल को खोलिए, पार्ट 2 को। नहीं खोल रहा, नहीं खुला है फाइल। यहाँ पे इन 3 श्लोकों में वे मदन मोहन जी को, राधा गोविंद जी को और गोपीनाथ जी को प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। मदन मोहन जी हैं वही राधा कृष्ण ही हैं, लेकिन मदन मोहन जी संबंध के विग्रह हैं, जीव को वह माया से मुक्त करते हैं। गोविंद देव जी अभिधेय के विग्रह हैं, जीव को कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। और गोपीनाथ जी परम लक्ष्य है, परम प्रयोजन। अब बहुत ज़्यादा व्याख्या करने का यहाँ पर संभावना है नहीं है, लेकिन हम लोग
प्रथम और दूसरे श्लोक की व्याख्या करने पे फोकस कर रहा है। इनकी व्याख्या भी आगे फिर से आएगी, इसलिए मैं अभी रुक नहीं रहा हूँ। फिर से कब आएगी? आगे सातवें अध्याय के आरंभ, मेरे पीछे बोलिए। और इनको बोलना जरूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम रोज पारायण करने वाले हैं, फाइल तैयार है, तो उससे आप नहीं बच सकेंगे। ठीक है, जयताम सुरतौ पंगो, जयताम सुरतौर पंगो, मंदिर मतेर गति, मंद मतेर गति, सर्वस्व पदाम भोजौ, सर्वस्व पदाम भोजौ, राधा मदन मोहनौ, राधा मदन मोहनौ, सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। जयताम सुरतौ, देखिए यहाँ पे भी द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, श्री राधा मदन मोहन। तो जयताम सुरतौ, जय हो उन दोनों की, श्री राधा जी की और मदन मोहन जी की। सुरतौ का अर्थ यहाँ पे बहुत कृपालु हैं अथवा माधुर्य प्रेम में अनुरक्त हैं, तो दो अर्थ यहाँ पे रखे गए हैं। पंगो, पंगो का मतलब समझ रहे हैं, मैं पंगु हूँ, चल नहीं, मेरी बुद्धि बहुत गड़बड़ है। पंगु मतलब भगवान को प्राप्त करने में मैं समर्थ हूँ, कुछ कर नहीं सकता। मम मंद मतेर गति, और मैं बहुत मंद मति हूँ। मत सर्वस्व गति मतलब आश्रय, मेरे आश्रय कौन है? मुझ मंद मति और पंगु व्यक्ति के आश्रय कौन है? श्री राधा मदन मोहन हो, क्योंकि वह बहुत कृपालु है। ठीक है, शायद हम लोगों ने कभी इस श्लोक को ध्यान से एक शब्द नहीं समझाना आज तक। मैं आपको बताऊं, मैंने भी कभी नहीं समझा आज तक। आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो कितने साल हो गए, 2008 में ज्वाइन किया मंदिर, ब्रह्मचारी फुल टाइम, आज क्या हो गया 2021, कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 13 साल हो गए वृंदावन में। ये है दुर्भाग्य, होता क्या है, पढ़ाते तो है नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो ध्यान भी नहीं देंगे, नहीं ध्यान देंगे ना। अगर कोई पूछ ले, मैं एक भक्त को पूछा, ये बताइए नमो विष्णु पादाय में, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय में, कृष्ण प्रेष्ठाय का मतलब क्या है? कई साल तक तुम तो यही समझते रहे, कृष्ण प्रेष्ठाय मतलब जिन्होंने कृष्ण को पूरे जगत में स्थापित किया, लेकिन कृष्ण प्रेष्ठाय का मतलब होता है जो जगत में कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसे हमारा जीवन नहीं कटना चाहिए, समझना चाहिए। मत सर्वस्व पदाम्बोजौ, पद अम्बुज जिनके चरण कमल, जिनके दो चरण कमल, जिन दोनों के चरण कमल, श्री राधा कृष्ण, राधा मदन मोहन के चरण कमल ही मेरे आश्रय हैं और मेरा सब कुछ है। मत सर्वस्व, मेरे सब कुछ है। ठीक है, श्री श्री राधा मदन मोहन, उन राधा मदन मोहन को मैं की जय हो। समझ में आ गया? ओके। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमदः श्रीमद रत्नाकार सिंहासनस्थ एक मिनट देखिए, मैं खुद ही भूल गया कि इसको कैसे बोलना है, और इसीलिए मैं इसको रखा हूं ताकि भूल जाऊं तो फिर से याद। मैंने इसमें लिखा नहीं, ओ ओ दिव्य दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमदा, वृंदारण्य कल्प द्रुमदा, श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ, श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ, श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ, श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ, प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि, प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे, रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। देखें शब्दों को, दिव्य दिव्य मतलब चमकते हुए, वृंदारण्य वृंदावन अरण्य मतलब जंगल, वृंदावन के जंगल में वनों में कल्पद्रुम कल्प वृक्षों के नीचे, अधा मतलब नीचे, दिव्य चमकते हुए वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमद् रत्नागार, रत्न आगार मतलब रत्न से जड़ित मंदिर में सिंहासन पे स्थित हैं। कौन स्थित हैं? श्री श्री राधा श्री श्री गोविंद देव, श्री श्री श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव, श्री श्री राधा गोविंद देव जी। और देव का अर्थ आपने क्या सुना था? क्रीड़ा परायण, लीला परायण। पृष्ठाल भी मतलब है, पृष्ठ का अर्थ है पृष्ठाल भी, पृष्ठ का अर्थ भी आपने क्या सुना था? प्रिय। पृष्ठाल भी मतलब अपने अत्यंत प्रिय पार्षदों के साथ हैं, सेव्य मानव
वहां वो क्या कर रहे हैं, उनसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, उनका मैं स्मरण कर रहा हूं। तब देखिए, आपको बताया था ना कि मदन मोहन जी संबंध के विघ्न है। जो व्यक्ति भोगों में पड़ा हुआ है उसका जो मदन से आकर्षित है, काम वासना से आकर्षित है, वह मदन मोहन उसके मन को मोहित करके अपने चरणों में स्थित कर देते हैं। यही बात बोले थे ना, अब चरणों में स्थित होकर करोगे क्या, सो जाएंगे। तो स्मरण करें ना, मैं देख रहा हूं कि रत्नगार पे, रत्न सिंहासन पे स्थित हैं और उनकी भक्त सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेवा, सेवा का प्रोसेस चालू हो गया, अभिधेय हो गया, राधा कृष्ण की सेवा शुरू हो गई, वह स्मरण कर रहे हैं। ग्रहण हो रही बात? तो इसलिए शिला राधा गोविंद जी ये अभिधेय के विग्रह है। ठीक है, बहुत हाई फाई बातें हो रही हैं, मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ, उससे अधिकार अधिक है भी नहीं मेरा बोलने का, और तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, उसको आप समझ पाएंगे। इतना समय हमारे पास नहीं है अभी कि हम तात्पर्य को पूरा पढ़ पाए। श्रीमान रास रसारंभी, श्रीमान रास रसारंभी, वंशी वटतटस्थितः, वंशी वटतटस्थितः, कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी, कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी, गोपीनाथ श्रियेस्तु नः, गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री श्रील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद क्या, हमको भी उसी प्रकार का प्रेम प्रदान करें, ये कहने का अर्थ है। श्रीमान रास रसारंभी, जो रास रस के रस को आरंभ करने वाले हैं, ठीक, वंशी वट तटस्थितः, जो वंशी वट के तट पे स्थित हैं, कर्षण वेणु स्वनैर गोपी, स्वनैर मतलब ध्वनि और कर्षण आकर्षण खींच रहे हैं। तो कह रहे हैं जो अपनी वेणु की ध्वनि से गोपियों के समूह को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक, वो गोपीनाथ श्रिय अस्तुना, श्रिय मतलब हम पर आशीर्वाद करें, वे गोपीनाथ जी श्री राधा गोपीनाथ हमारे हमको आशीर्वाद करें, हमें भगवान के अपने चरणों में प्रेम की प्राप्ति करा दें। तो ये प्रयोजन तत्व के विग्रह हो गए। प्रयोजन है भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम। अब बंगाली शुरू हो रही है, हम तो सोच रहे थे हिंदी आएगी, प्रभु जी हिंदी आएगी बंगाली के बाद। तो अब इसको आपको कैसे बोला, हम कैसे, हम मैं ही बोल के समझा रहा था ना, हाँ यस ठीक, अब मैं यही बोलूंगा। जय जय श्री चैतन्य, ये तो अब मेरे साथ बोलिएगा मेरे पीछे, जय जय श्री चैतन्य, मेरे बाद में, मुझे पता है आप लोग उत्साहित हैं लेकिन मेरे बाद में, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अब व्याख्या शुरू कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, तो बड़ा स्पष्ट है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और गौर भक्त वृंद की जय हो। ठीक है, ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छिन आत्मसात, ए तीन चरणों वंदो तीने मोरनाथ। इसको और तरह से कह सकते हैं, ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छिन आत्मसात, ए तीने र चरण वंदो तीने मोर नाथ। ये तीन ठाकुर, राधा मदन मोहन जी, राधा गोपी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी, गौड़िया के कारियाचन, गौड़िया के कारियाचन आत्मसात, गौड़िया वैष्णवों ने इनको आत्मसात कर लिया। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो कठिन नहीं है कुछ, यही इनके प्राण है। ए तीनेर चरण वंदो, इन तीनों की चरण वंदना करते हैं, कर रहा हूं, तीन मोर नाथ, ये तीनों ही मेरे नाथ है। ठीक है, ओके। अब एक प्रश्न आ सकता है, भाई ये राधा कृष्ण तो एक ही हैं, ये तीन तरह से क्यों बोल रहे हैं? अभी मुझे इसकी जानकारी अधिक नहीं है, कुछ कुछ तो मैं एक अनुवाद कर रहा हूं। अब वह व्याख्या कर रहे हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपने सुना था ना, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशा ईशावतारकान तत्प्रकाशम तजशक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। ये पहला जो श्लोक था चैतन्य चरितामृत का, इसमें
मंगलाचरण किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है, लिविट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जब चाहिए होगा तब बोल दूंगा। तो अब वो उसको व्याख्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ से पढ़ के ही समझाया था। ग्रंथेरा आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा स्मरण। हिंदी जैसा है, ग्रंथ के आरंभ में मैंने मंगलाचरण किया। क्यों मंगलाचरण किया? ताकि इष्ट की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि किसी को अच्छा कार्य करने में विघ्न आते हैं कि नहीं। अभी देखा था बीच में लाइट जल्दी फूकने लग गई थी एकदम से, तो विघ्न आते हैं, और विघ्नों की निवृत्ति के लिए और इष्ट की पूर्ति के लिए। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, गुरु को, वैष्णवों को और भगवान तीनों का स्मरण किया जाता है। क्यों करते हैं? तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन, अनायास होए निज वांछित पूरण। इन तीनों के स्मरण से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। ये आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, जब आप सुबह उठते हैं या स्नान करने के बाद प्रभुपाद जी को, वैष्णवों को और भगवान को जरूर स्मरण करें, प्रणाम करें, उनका प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। नहीं है तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन बहुत जरूरी है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन भी गए थे और प्रणाम करके आए थे भीष्म देव को और द्रोणाचार्य को भी, कहे कि आप, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको आशीर्वाद शाप दे देता, और फिर विजयी होने का आशीर्वाद दिए थे। जबकि दूसरे पक्ष में है, लेकिन गुरु हैं, स्नेह है, तो कहें विजयी भव, बेटा विजयी हो जाओ। तो ये आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है, इस पे बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि भक्ति में हमारे प्रयास तो हैं ही जरूरी। सीनियर वैष्णव का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं, और उनका आशीर्वाद मतलब भगवान का आशीर्वाद। लेकिन केवल बोलने से भी नहीं चलेगा, लो जी आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है कल मंगल आरती में आइए, वो तो हम नहीं आ सकते। तुरंत लोग ऐसा लगता है जैसे कि हमारे साधुओं के पाँव में कुछ चॉकलेट रखी हुई है, हाँ तुरंत पाँव रस टच कर लो। अरे भाई, पाँव टच करके तुम अपना पाप तो साधु पे डाल दोगे, बेचारे को भजन करना पड़ेगा, लेकिन अपना क्या करोगे? प्रभुपाद बात तो आगे बता, चैतन्य चेतावनी बताते हैं, साधु लोग डस्टबिन नहीं होते हैं कि अपना पाप डाल दें उनके ऊपर और अब चले फिर पाप इकट्ठा करने के लिए। भाई रूम साफ करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर रूम गंदा जाता है, फिर डस्टबिन में डालते हैं, यही तो करते हैं ना। तो साधुओं के चरण ये नहीं है, हाँ चरण की धूल दे दीजिए। अरे भाई कुछ बोल रहा है साधु, जब करो वंग भोग लगा, नहीं साधु साहब कहाँ हमारे पास समय है, गृहस्थी में है, ये है वो है, तो फिर क्या आशीर्वाद। मैं तो वो मुझे बुरजन प्रभु बोले थे, भारतीय लोग समझते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, भाई कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी तुमको तो केवल ब्लेसिंग से काम नहीं चलेगा, ब्लेसिंग से काम चलेगा लेकिन ब्लेसिंग मिलती ऐसे फ्री में नहीं मिलती है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती। भक्ति करिए, बोला जा रहा है कि साधु बोल रहा है हरे कृष्णा करो, तो उसकी इच्छा है ना कि आप हरे कृष्णा करें, तो जब हरे कृष्णा करते हैं तो स्वाभाविक से वो ब्लेसिंग है, वो बता रहा है कि वो ब्लेसिंग है। लेकिन हमारा मनोभावना ये होनी चाहिए कि केवल हमारे प्रयासों से नहीं, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से उनको संतुष्ट करते हैं तो अपने आप ब्लेसिंग मिलती है। डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस फॉर मोस्ट पीपल, उनको नहीं समझ में आता है कि आज्ञा पालन करने से ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा नहीं कि आसपास घूमने से ब्लेसिंग मिल जाएगी। देखो मेरे गुरु महाराज से मेरा फोटो देखो 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 महाराज मेरे कितना यू डोंट हैव टू बी क्लोज फिजिकली रियली, यू हैव टू बी क्लोज टू द हार्ट। प्रभुपाद जी का आप लोग शायद वो ध्यान नहीं दिए, इसी श्रीमद् भागवतम के इस मतलब जब हम पढ़ रहे थे उसके इंट्रोडक्शन में लास्ट में प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमारा बहुत आग्रह है, हम बहुत चाहते हैं कि पूरे विश्व में इस भागवत धर्म की स्थापना हो जाए। समझ में आया प्रभुपाद का आग्रह क्या है? क्या लोभ है प्रभुपाद जी का? उसको संतुष्ट करने में कहीं बुद्धि लगाई, किसी तरह से धन से तन से मन से कैसे भी करके सेवा कीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कर सके, चाहे एक व्यक्ति को कर सके, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, 16 इज मिनिमम नॉट मैक्सिमम। एक व्यक्ति को प्रीचिंग करना ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। एक कर दिया बस, अब मेरा कंबल कहाँ है नहीं, ठीक है, जितने लोगों भी आप भक्ति का प्रचार कर सके। तो खैर हम बात कर रहे थे कि इनके आशीर्वाद से विघ्न का विनाशन हो जाता है और अनायास से, अच्छा प्रयास शब्द सुना है आपने, प्रयास मतलब आप कुछ एफर्ट मारते हैं, अनायास प्रयास में प्र हटा दीजिए तो हो जाएगा यास के लिए, जो मतलब कुछ काम का कुछ प्रयास कर रहे हैं, मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अच्छा एफर्ट पड़े हुए प्रयास, अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के आशीर्वाद से ही हो जाएगा सब कुछ। आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? स्मरण से।
अनायास हो निज वांछित पूर्ण, जो मैं चाहता हूं उसकी प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। ये मंगलाचरण होता है तीन प्रकार का, एकदम हिंदी जैसा है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। वस्तु निर्देश मतलब वस्तु का निरूपण करना, जो हमने सुना था श्लोक क्रमांक तीसरा, और नमस्कार सुना था पहले और दूसरे, और आशीर्वाद था श्लोक क्रमांक चौथा। इसीलिए मैंने उधर थोड़ा सा समय दिया था ताकि आपको यहाँ समझने में आसानी रहे। ठीक है। प्रथम दो श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। प्रथम और दूसरे श्लोक में इष्ट देव को नमस्कार किया है समान और विशेष रूप से। समान रूप से पहले श्लोक में किया, छह लोगों को स्मरण किया था ना, भगवान को, उनके प्रकाश को, उनके अवतारों को, उनकी शक्ति को, गुरु को और भक्तों को। ठीक। और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को दूसरे श्लोक में नमस्कार किया था। तृतीय श्लोके ते करी वस्तु निर्देश, यहाँ है ते जानी पर तत्पेरा उद्देश्य। तीसरे श्लोक में मैंने वस्तु का निर्देश किया था कि जो ब्रह्म ज्योति है, जो परमात्मा है और भगवान है, तो ब्रह्म ज्योति वह भगवान श्री कृष्ण की अंगकांति है, परमात्मा उनके अंश हैं, और षड ऐश्वर्य पूर्व भगवान वही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं आप लोग? कल की क्लास में जूम या सामने कितने लोग थे? ओके, तो आप लोगों को याद है ना, समझाया था ये सब बातें? ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं। और बाकी लोग नहीं, विमला माता जी आप क्लास में नहीं थी? बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद आपके पास है कि आप कभी क्लास में नहीं आओ। यही चाहती हो तो अच्छी बात है, कभी क्लास में बताओ, शायद यही चाहते हैं। खैर, पता नहीं कोई कारण विशेष रहा होगा। देखिए क्या कहे, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं छोड़ दीजिए, इसको महत्व नहीं देते हैं। हरि नाम एंड हरि ज्ञान, दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान, ये आवश्यक है। मैं केवल माता जी को यही बोल रहा हूँ, बाकी लोग भी छोड़ देते हैं। अरे तो बोलते ही रहते, रोज ही तो बोलते हैं। करना में तो रोज नहीं खाना बनाते, क्यों जाते हो खाने के लिए फिर कृष्ण हॉल में? क्यों भाई, रोज करना में तो बना रहे हैं ना, क्यों जा रहे खाने के लिए फिर? अगर एक ही व्यक्ति के बोलने से बोर हो जाते हैं तो फिर उनके खाने से भी बोर जाना चाहिए। प्रभु अच्छा बनाते हैं, बोर करते हो, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन केवल, अब छोड़िए, मैं अभी महाप्रभु के बारे में बोल रहे हैं तो मूड अच्छा रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो भक्ति की यात्रा भाई साहब बहुत लंबी है। अगर हम शास्त्र नहीं सुनेंगे सोचेंगे क्या हम सही पथ पे हैं क्या, चलो वापस मुड़ जाते। बहुत शास्त्रीय विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत एकदम आग्रह के श्रवण कीजिए। ठीक है ना, अभी आप ये सब बातें स्वयं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी से ही सुनेंगे, और ये सब एक ही बार ध्यान। अभी मैं थोड़ा आगे बोलना चाहता हूँ उस पर। इसी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे कि जो गायत्री मंत्र है उसमें वो 26.5 अक्षर है, उसको समझ नहीं पा रहे थे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की 26.5 अक्षर कैसे हैं, मैं तो 26 ही गिन रहा हूँ। और उनका यह विश्वास था कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूर्ण मुक्त व्यक्ति हैं, वो गलत नहीं हो सकते हैं। वो परेशान हो गए थे, खाना पीना छोड़ दिए थे। मैंने तो सुना था वो राधा कुंड में आत्महत्या करने जा रहे थे, ऐसा सुना है। ये एक एक शब्द जो है, ये शब्द ब्रह्म है, इसको सामान्य बंगाली मत समझिएगा। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिद्ध पुरुष हैं, गोलोक में इनका मंजरी स्वरूप है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी के से साक्षात 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु के बारे में रोज सुनते थे। इनके गुरु हैं स्वयं नित्यानंद प्रभु, स्वयं बलराम जी डायरेक्ट। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इनकी बातें नहीं सुन रहे हम। तो बड़ा भाग्य है कि हमें इस प्रकार से सुनने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि शुरुआत में नहीं समझ में आता कि क्या वस्तु प्राप्त हो रही है, कि ये चैतन्य चरितामृत भक्ति विनोद ठाकुर जी ढूंढ रहे थे, उनको मिली नहीं थी। कई दिन तक उनको मूल प्रति नहीं प्रतिलिपि नहीं मिली। कोई कहता है 2 महीने तक, कोई कहता है 2 साल, मुझे याद नहीं है कितना टाइम है, लेकिन ढूंढ रहे थे, ये श्लोक सामने नहीं मिल रहे थे। हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि श्लोक सामने है, प्रभुपाद जी का अनुवाद है, हम समझ पा रहे हैं। मैं तो अनुवाद इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा तेज जाना है, लेकिन आपके पास पुस्तक भी है मात्र 2000 रुपए की। बस ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने सौभाग्य को नहीं समझ रहे। हम तो कभी ढूंढते भी नहीं चैतन्य चरितामृत को। अगर BBT में नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे, चलो कुछ नहीं आलू खरीदेंगे उसी पैसे का। यही होगा ना, कौन पढ़े, छोड़िए। तो इसीलिए बैठा बैठा के पढ़वा रहा हूँ ताकि कुछ तो पढ़ लीजिए।
क्षमा कीजिए मैं थोड़ा डांटना पड़ता है, क्योंकि उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। इसको पढ़ करके कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, स्वयं कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मान लीजिए इस बात, और इसमें नाम अपराध भी नहीं लगता है, श्रवण करने में कोई नाम अपराध नहीं लगता है। देवानंद देवामृत महाराज 108 बार पढ़ चुके हैं चैतन्य चरितामृत को, ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से 5-6 साल पुराने, और कह रहे थे। तो ये मैंने साक्षात सुना कि भाई नाम अपराध है 10 अपराध, लेकिन श्रवण में तो कोई अपराध नहीं है। तो मैंने कहा इसमें वो कह रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है इस अध्याय को जो पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो ये तो अच्छी बात है, ये थोड़ा इजी है। तो खैर चलिए वापस आ जाते हैं, ठीक है। आप मैंने जो कुछ भी बोला आप लोग उसको क्षमा कीजिएगा और भूल जाइएगा, आपकी इच्छा हो तो आइए, नहीं इच्छा हो तो भी आइए। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देशा यहाँ है ते जानी पर तत्वेर उद्देश्य, ठीक है। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चौथे श्लोक में मैंने पूरे जगत के लिए आशीर्वाद मांगा। अब देखिए कौन मांग रहा है, हाँ कौन मांग रहा है आशीर्वाद। एक और सुनिए श्लोक, षडांग शरणागति हई बेजहार ताहर प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। जिसकी षडांग शरणागति, 6 अंग रूपी शरणागति जो होती है भगवान में, उसकी प्रार्थना को भगवान ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण सुनते हैं। क्या कृष्णदास गौराज गोस्वामी शरणागत भक्त है? हैं, और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबके लिए मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे थे? मांग रहे थे कि सचिनंदन आपके हृदय में स्फुरित हो। लेकिन हम क्लास में नहीं आएंगे तो कैसे आशीर्वाद मिलेगा? तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। अभी देखिएगा, अभी आपको एड्रेस करेंगे, अभी आप ही लोगों से बात करेंगे, कृष्णदास गौराज गोस्वामी घबराइए मत, अभी आपसे बात होगी। तो क्या कृपा मांगी? कि सभी के हृदय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्फुरित हो, उन्हें भगवत प्रेम प्रदान करें। से श्लोक कही बाह्य अवतार कारण, पंचषष्ठ श्लोक के कही मूल प्रयोजन। इस चौथे श्लोक में मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य कारण को भी कहा, संकीर्तन के आंदोलन की स्थापना करना और ब्रज के प्रेम को जीवों को देना। और पांचवें और छठे श्लोक में मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के मूल प्रयोजन, आंतरिक प्रयोजन को बोला इस जगत में आने के लिए। अब आप समझ रहे हैं कि मैंने वहां क्या व्याख्या कर दी, तो अब समझ में आ रहा होगा कि मूल प्रयोजन क्या है इत्यादि इत्यादि। उसकी व्याख्या फिर आगे के अध्याय में होगी। छ्लोके कही चैतन्य तत्व और पंच श्लोके नित्यानंदेर महत्व। 1, 2, 3, 4, 5, 6 महाप्रभु के बारे में तत्व, 7, 8, 9, 10, 11 पांच नित्यानंद प्रभु के बारे में, 12, 13 अद्वैताचार्य जी, और उसके बाद पंच तत्व का वर्णन 14वें श्लोक में। और द्वि श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान और एक श्लोके पंच तत्वेरा व्याख्यान। क्लियर क्या है अर्थ? अब तो हिंदी पकड़ में आ रहा होगा बंगाली। और दो श्लोक में 12-13 में मैंने अद्वैताचार्य जी के बारे में बताया, और 14वें श्लोक में पंच तत्व के बारे में बताया। क्या बहुत फास्ट जा रहा हो, समझ में आ रहा है? श्लोक सामने रख के देखते रहिए, ठीक है। एई 14 श्लोक के करी मंगलाचरण तही सब मध्य कही सब वस्तु निरूपण। इन 14 श्लोकों में मैंने मंगलाचरण किया और इनके मध्य में मैंने सब वस्तु निरूपण कर दिया। कौन क्या है, महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है इत्यादि, और अद्वैताचार्य जी कौन है। अब देखिए वे सभी श्रोताओं को नमस्कार कर रहे, कितने प्रसन्न है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मरे नहीं है भाई, वो यही है, यही है, ये गोलोक ही है जहां बैठे हैं हम लोग। प्रभु जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या बड़ी बातें कर रहे हो, सुना नहीं आपने? चर्म चक्षु से देखना संभव नहीं, आप आगे पढ़ने वाले हो, ये वही है और ये सब लोग यही है, ये भी समझ लीजिए, ये सब लोग यही है, हमें देख नहीं रहे। प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी से बात करते थे, क्या नाम है उनका, प्रभुपाद जी शिष्य उनके सेवक थे, श्रुति कीर्ति प्रभु ना, श्रुति कीर्ति नहीं एक और प्रभु जी थे, जो भी हो उनका नाम प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद जी हमने सुना है लोग बता रहे कि आप रूप गोस्वामी जी से बात करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा उसमें कौन सी स्पेशल बात है, सब जानते तो कितने बड़े आचार्य के हम लोग, जस्ट शिष्य के शिष्य हैं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सब लोग यहाँ पे हैं और बड़े प्रसन्न है कि आज हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, विश्वास होना चाहिए। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार ए सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। सभी श्रोताओं वैष्णव को मैं नमस्कार कर रहा हूं, देखिए कितने नम्र हैं,
हम सभी को नमस्कार कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब कह रहे हैं इन सभी श्लोकों पे मैं अर्थ के अर्थों पे मैं विचार करूंगा। सकल वैष्णव सुना करी एक मान चैतन्य कृष्णेरे शास्त्र मत निरूपण। सभी सकल वैष्णव, सभी वैष्णव छोटे बड़े कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी उत्तम सभी के लिए बोल रहे हैं सुनो करी एक मन करके मन कहीं और नहीं ले जाओ, सुनो ध्यान से। चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण, जरा इसका अर्थ बताइए क्या लिखा है मत निरूपण को क्या बोल रहे हैं चैतन्य कृष्ण शास्त्र। माइक दीजिए प्रभु जी को, एक व्यक्ति माइक के पास रहे, जहां मुझे अर्थ क्लियर नहीं होगा मैं आपसे पूछ लूंगा, गलत नहीं जाना चाहिए। मत का मतलब है अनुसार और निरूपण का मतलब। बात पढ़िए पूरा। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़े और सुने। ओके, तो अब आप देखेंगे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएंगे तो बंगाली प्यारे हैं, प्यार बोलेंगे, प्यार मतलब बंगाली श्लोक बोलेंगे, लेकिन उसको फिर संस्कृत से, भागवत से, अन्य अन्य ग्रंथों से वह प्रमाणित करेंगे, ये शैली रहेगी। मन अपने मनगढ़ंत तरीके से महाप्रभु के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण ऐ छह रूपे करे ना विलास। भगवान श्री कृष्ण छह रूपों में विलास करते हैं, लीला करते हैं। किस रूप में? कृष्ण के रूप में, गुरु के रूप में, गुरु के रूप में भी, भक्त के रूप में, शक्ति के रूप में, अवतार और प्रकाश में। छह समझ में आ रहा है, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। एई छय तत्वेर करी चरण वंदन प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। इन छह तत्वों के चरणों में मैंने वंदना करी। कौन छह तत्व? कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। और इन और पहले श्लोक में मैंने इनमें इनको सामान्य रूप से मंगलाचरण किया, ठीक। अब वो श्लोक बोल रहे हैं, ये श्लोक 34 है यहाँ पे और है इस अध्याय का पहला श्लोक। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशाम ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संगकम। देखिए मैं बता रहा हूँ, वंदे मैं वंदना कर रहा हूँ किन की? गुरुन गुरुओं की, ईश भक्तान भगवान के भक्तों की, ईशम भगवान की, ईश अवतार कान ईश भगवान यानी भगवान के अवतारों को, तत् प्रकाशांश भगवान के प्रकाश को, तत् शक्ति उनकी शक्ति को, और वो भगवान कौन है? कृष्ण चैतन्य संगकम, जिनको कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। छह याद हुए, चलो छह भक्तों से पूछता हूं। एक बताओ कृष्ण, दूसरा क्या? गुरु भक्त, गुड भक्त, फ्री कर दो ब्रेकफास्ट को बेचारे को, तीन दिन तक फ्री है ब्रेकफास्ट अपना। एक सही उत्तर दिया। आगे बागुंदी चिरपेंडी, हाँ अवतार, नेक्स्ट प्रकाश लाइट, ठीक है लाइट नहीं एक्चुअली, प्रकाश मतलब होता है भगवान की विस्तार, और शक्ति, और हो गए गुड। अब वे व्याख्या करेंगे गुरु मतलब क्या होता है। महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं ऐसा नहीं कि हम किसी को भी गुरु बोल देंगे। बनारस में पान वाले को बोलते हैं अरे गुरु दूल्हा पान लगाना तो ऐसा गुरु को गुरु नहीं कहते। रिक्शे वाले को बोलते हैं अरे गुरु कितना पैसा लोगे वहां तक जाने का, तो इसको गुरु नहीं कहा जाता है। तो गुरु क्या है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। मंत्र गुरु आरयत शिक्षा गुरु गण ताहार चरण आगे करिया वंदन। मंत्र गुरु और यत शिक्षा गुरुगण, गुरु अर्थात गुरुन शब्द जो था यह बहुवचन में था, तो मैं गुरुओं को प्रणाम करता हूं मतलब अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करता हूं। दीक्षा गुरु एक हो सकते हैं कि दो हो सकते हैं? एक ही हो सकते हैं, ठीक एक हो सकते हैं। और शिक्षा गुरु कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। जिनकी शिक्षा मुझे अच्छी लगेगी उनकी शिक्षा मैं ग्रहण करूंगा। क्या यह सही है? यही तो हम लोग अनादि काल से करते आए हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय गुरु कौन है? हमारी इंद्रियां और हमारा मन, इन्हीं की शिक्षा तो पालन करते आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं मेरे को। ऐसा नहीं, जो हमारे लिए अच्छी हो, शास्त्र अनुसार हो, वैष्णव हो, वो गुरु हैं, ठीक है। तो शिक्षा गुरु गण मतलब बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं,
ठीक है, तहार चरण आगे करिया वंदन, हिंदी जैसा है उनके चरणों के आगे मैं नमस्कार करता हूं, मतलब उनको नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पे ये छह लोगों का नाम ले रहे और इस छह के छह उनके शिक्षा गुरु हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डैश हैं, शिक्षा गुरु हैं, डैश उनके दीक्षा गुरु हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दीक्षा गुरु डैश हैं नित्यानंद प्रभु है। ये कैसे पता? ये तो प्रभु जी आपने बताया नहीं, बताया है, पहले बताया था जब नित्यानंद प्रभु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज भी बता दिया, हाँ सॉरी भूल गया, आज भी बता दिया था, ठीक है। वैसे मैंने मुख्य रूप से वहां बताया था, देखा था नित्यानंद प्रभु सपने में आए, कहे वृंदावन जावे, जाओ वृंदावन जाओ, ठीक है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और वहां पे आपने व्याख्या सुनी थी ना उनकी, गोविंद देव की, मदन मोहन की और गोपीनाथ जी की, सबके दर्शन उनको प्राप्त हुए थे साक्षात, याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? ठीक है, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। ए इच्छा गुरु शिक्षा गुरु ये अमार, तासा बार पाद पद में कोटि नमस्कार। ये छह जो गुरु हैं ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, और इनके चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि नमस्कार हैं। देखिए भारतीयों की एक बहुत बड़ी बीमारी है प्राय कि सोचते हैं दीक्षा ले लिया अब हमारा काम हो गया, अब तो हम सब सीख गए, अब तो हमारा एडमिशन हो गया, अब तो हम भगवान के धाम जरूर जाएंगे। हमारी दीक्षा के समय गुरु महाराज बोल रहे थे, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। इंग्लिश अनुवाद कोई कर सकता है? ऐसा मत सोचना कि दीक्षा से तुम्हारी मुक्ति हो गई। अब तो हमारा नाम दास हो गया है। अब तो दास का मतलब क्या, जिसकी दासता सब लोग करे, ये तो अर्थ हुआ जब हम लोग नहीं, ये अर्थ नहीं होता है क्या, उसी को प्रसाद हम सर्विंग करें सब, ऐसा तो होता है नहीं होता। हम सेवक बने, अब सेवा करने का अभ्यास करें। पहले मैं भक्त था, एक मैंने सुना था कि कोई भक्त की दीक्षा हो गई तो बाद में एक व्यक्ति ने बोल दिया कि भक्त प्रशांत है, जो भी नाम रहा हो, कहते आपने मुझे भक्त कैसे बोल दिया, मेरा नाम तो अब ये हो गया है। मुझे याद है कि जब हमारी दीक्षा होती थी, हुई थी, जब जब जैसे लोगों का नाम बोला जा रहा था कि वैसे मेरा नाम बोला गया, मेरे गुरु महाराज बोले योर नेम इज शुभ कृष्ण दास, तो हमारे सीनियर गॉड ब्रदर थे, उनका नाम है पूज्य राधा गोविंद, सॉरी राधा कुंड प्रभु, राधा कुंड प्रभु, तो ऐसे बोलते थे शुभ कृष्ण दास की जय, बोला शुभ कृष्ण बोलते थे हल्के से और दास बहुत जोर से बोलते थे। ऐसे कोई माता जी होंगे तो नाम पहला वाला हल्का बोलेंगे, दासी की जय, ताकि याद रहे कि बेटा तू दास ही है, तू दासी ही है, भूल मत जाना कि तू प्रभु हो गया है। कभी कभी लोग प्रवचन में बोला फोन करेंगे मैं शुभ कृष्ण प्रभु बोल रहा हूँ। अपने को दास बोलने में व्यक्ति को बड़ा खराब लगता है, होता है कि नहीं? हाँ प्रभु जी भी बोला, प्रभु जी भी लगा सकते हैं, ये सब होने लगता है। एक बार महाराज विरोध कर रहे थे कि मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति किसी को बुला रहा है प्रभु जी, तो आप सोचेंगे मुझे बुला रहे हैं क्या, ये महाराज जी स्वामी जी, तो हम मेरे को नाम पुकार रहे हैं। अभी तो अगर कोई हमको प्रणाम करे तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं प्रणम नहीं हूं, ये प्रणाम तो गुरु जी के को दे देना चाहिए, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि गुस्सा भी नहीं हो सकते। पहले मैं गुस्सा हो जाता था, गुस्सा प्रणाम नहीं करना है, मैं बकुराट दिया। फिर मैंने गौर कृष्ण महाराज जी का परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी का प्रवचन सुना, उन्होंने कहा कि नहीं आप गुस्सा भी नहीं हो सकते, क्योंकि मान देना अमानना, आपको मान की इच्छा नहीं है लेकिन आपको मान देना होगा, आप गुस्सा नहीं हो सकते। एक आदर्श हो रहा है कि भाई जो जूनियर है वो प्रणाम करे, तो एक आदर्श स्थापित करने के लिए है, आप गुस्सा भी नहीं हो सकते। मैं गारे मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने जूनियर से क्षमा मांगी, मैं आप पे गुस्सा हो गया इसके लिए क्षमा कीजिए, अब आपको जो करना है करिए, ये नहीं कहा कि प्रणाम करो लेकिन जो करना है करिए मुझे। लेकिन ठीक है, मतलब कहने का मतलब नमस्कार, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि नमस्कार राजगर की तरह नहीं करना चाहिए। महाराज बहुत विरोध कर रहे थे कि महाराज जी हैं सन्यासी जाना है, वो लेट जाएंगे उनके सामने एकदम प्रणाम करने के लिए, अरे महाराज को जाने दो भाई। तो खैर इस प्रकार से प्रणाम नहीं कर रहे, तो मैं विनोद में बोल रहा हूँ, ये छह शिक्षा गुरु हैं उनको प्रणाम कर कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम सोच सकते हैं कि हमारा दीक्षा गुरु से संबंध है, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी इसमें समझाएंगे, ये बहुत अच्छे पॉइंट है।
मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे अच्छा है, मुझे याद आ रहा है पूरा तात्पर्य का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु होते हैं वही हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। ये सिद्धांत प्रभुपाद जी ये ध्रुव महाराज के प्रसंग में बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी की शिक्षा हम ग्रहण करते थे पहले जमाने पहले वाले में, प्रभुपाद जी दीक्षा दिया करते थे और अभी भी जिससे हम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके प्रवचन सुनने चाहिए। केवल इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आप उनसे दीक्षा ले लोगे तो आपको अमेरिका जाने को प्राप्त होगा। मुझे ऐसे बोला गया था कि आप काफी पढ़े लिखे हैं, अब उन महाराज से दीक्षा ले लीजिए आपको अमेरिका जाने को मिलेगा। हमने कहा अमेरिका जाने के लिए सुना आए हैं, वृंदावन में रहने के लिए आए, तो मैं उसको कुछ बोला नहीं। इस प्रकार की धारणा लेकर दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। अभी एक भक्त मैंने सुना वो गए किसी संस्था में, बस उनको ठप्पा लगा दिया तुरंत, कनेक्ट हमारी क्लास से हो रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे, उनको पता भी है कि इस्कॉन में समय लगता है दीक्षा लेने में, पहले शिक्षा दी जाती है, उनको ठप्पा लगा दिया। हमने कहा कि अब हम क्या करें, हमने कहा कोई दीक्षा थोड़ी ना होती, ठप्पा लगा दिया। एक भक्त बोल रहे थे कि दीक्षा हमको दे दी, हमने कहा दीक्षा तो दी, क्या शिक्षा प्राप्त हुई, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा दीक्षा क्या हुई, दिव्यम ज्ञानम ददाती थी दीक्षा। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद नहीं, दीक्षा गुरु भी शिक्षा देते हैं, केवल स्टैंप लगाने के लिए नहीं है, चेक कर लेना चाहिए कि हाँ क्या उनकी वो प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर शिक्षा दे रहे हैं। वो देवता दे रहे हैं, तुम्हें चेक करना होगा, आपको चेक करना होगा कि वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उस प्रकार से बता रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से ठीक है। मैं यहाँ पे है प्रसंग तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो इस पे तो हमें लग रहा है पूरा एक प्रवचन होना चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट बात बोल रहा हूँ। दिव्यम ज्ञानम ददाती थी दीक्षा, दीक्षा गुरु भी शिक्षा देते हैं और शिक्षा गुरु भी शिक्षा देते हैं। अरे अब धोती पहनना तो आपके शिक्षा गुरु भी नहीं सिखाएंगे ना, तो हो सकता है कोई बगल वाला भक्त सिखा रहा हो, किसी ने तिलक लगाना सिखाया है, किसी ने प्रसाद बनाना सिखाया है, तो हर तरह से भगवान की सेवा में किसी तरह से जो शिक्षा दे रहा है वो गुरु है। जैसे हमारे कहा हमारे करुणा मित्रों के शिक्षा गुरु कौन है कुकिंग में, माता जी माता जी का नम्र है, कहेंगे नहीं नहीं मैं शिक्षा गुरु नहीं हूँ, बट शी टॉट अस सम नाइस थिंग इज इट नॉट। और जो कोई भी आपको भगवान की सेवा के लिए कुछ भी रेसिपी बता रहा है वो आपके गुरु है कि नहीं, बिकॉज बाय दैट यू आर सर्विंग सो मेनी डिवोटीज। जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे को परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी से, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से सीखने को मिला। मैं कहूँ मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने सुना है तो कोई दिक्कत है, है? आपके गुरु महाराज तो परम पूज्य राधानाथ महाराज हैं। ऐसा मुख से कभी नहीं निकालिएगा ना कभी सोचिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात। अभी आप देखेंगे दोनों में कोई भेद नहीं है, भेद देखना अपराध है, दोनों ही हमें कुएं से बाहर निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं। एक आदमी अगर नीचे पड़ा हो, जैसे कभी कभी गाय नीचे गिर जाती तो छह ग्वाले लगते हैं, अकेले नहीं उठती है। तो मैं उदाहरण देता हूँ कि हम लोग कुएं में गिरे हैं, बहुत वजन है हमारा, तो पांच हर प्रकार के वैष्णव लगे हैं, उसका उद्धार हो जाए किस तरह से। आज परम पूज्य गौरांग प्रभु का कितना सुंदर प्रवचन है, क्या हमारे शिक्षा गुरु नहीं है, कितना प्रेरणा हमको भक्ति में प्राप्त हुई। तो बहुत सारे भक्तों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है भक्ति की, और वो हमारे शिक्षा गुरु हैं जो हमारा उद्धार के लिए ही आते हैं, और वो सब भगवान की प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे प्लूरल में बोला गया है, क्या इन तत्वों को समझना आपको लगता है आपकी भक्ति के लिए आवश्यक है? यस, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी नहीं कि गुरु को प्रणाम करेंगे और भक्तों को ए धड़े से किनारे, सब किसी को भी आप समझिए सारे भगवान के स्वरूप हैं, भगवान की प्रतिनिधि हैं। एक को भी आपने गड़बड़ किया है तो अपराध बनता है भगवान के ऊपर, बहुत गंभीर चीजें हैं यहाँ पे। तो ये सभी शिक्षा गुरु हैं हमारे, और उनके चरण कमलों में कितने नमस्कार कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ नमस्कार है इनके उपकार की, हम मतलब कह सकते हैं प्रतिदान नहीं कर सकते, ठीक है। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान तासबार पाद पद्मे सहस्र प्रणाम। तो गुरु की व्याख्या कर दी शॉर्ट में, गुरु कौन है, शिक्षा गुरु इत्यादि और दीक्षा गुरु। अब यहाँ भक्तों के बारे में, जितने भी भगवान के भक्त हैं, जैसे कि श्रीवास ठाकुर, जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रधान है जो नारद जी के अवतार है, और उसके बाद अन्य सभी भक्त श्रीवास आदि, श्रीवास ठाकुर एंड एक्सेट्रा, मतलब अभी जितने भी लोग हैं वो और सभी भक्त, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। केवल नमस्कार बोलेंगे, करेंगे नहीं, और डांटने में झगड़ा करने में तो सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। तो बचना होगा। मैं आज ही बोल रहा था सनक सनातन प्रभु से भी कि हम सब मैनेजर से कम मध्यम अधिकारी तो होना चाहिए, भक्तों को होना चाहिए तो आगे की बात है, लेकिन लीडर्स और हम मैनेजर्स को तो होना चाहिए ना कि झगड़ा नहीं करें, कुछ बात इश्यूज हो सकते हैं, वी कैन ऑलवेज रिजॉल्व इट, कहते यस इट्स अ फैक्ट। बहुत उनको हिट किया था ये बात, हाँ वैष्णव की तरह प्रेम से बातचीत करके डिस्कशन हो सकता है, इज इट नॉट। हम लोग
प्रभुपाद के शब्द हैं, द ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए मानव जीवन नहीं है। तो जितनी बार हम झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या है, आम लोग क्या है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप समझ गए, जितनी बार झगड़ा कर रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह है बस। और जैसे कुत्ते बिल्ली आहार निद्रा भय मैथुन पर झगड़ा करते हैं, उसके बाद पांचवा कारण नहीं हमारे पास झगड़ा करने के लिए, समझ रहे ना मेरी बात। ये बहुत गंभीर बात है, इतनी गंभीर बात है, ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वी हैव टू मस्ट कम टू मध्यम प्लेटफॉर्म, कम से कम भक्तों से प्रेम करें, झगड़ा नहीं करें, प्रेम करें। ये डिटेल है, अब हम समय नहीं है, नहीं तो अब उसको पढ़ेंगे, प्रदाति प्रति गृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति इत्यादि। खैर, सभी के चरणों में वह जिसमें श्रीवास ठाकुर जी प्रधान है, वह सहस्त्रों हजारों प्रणाम कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति अमार। अभी तक भक्तों को गुरु और भक्तों को प्रणाम किया, अब ये भगवान के ईशावतारकान, भगवान के अवतार को प्रणाम कर रहे हैं। अवतार आप जानते हैं, भगवान विष्णु के वह एक्सपेंशन या विस्तार, जब वो भौतिक प्रकृति के संबंध में कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो अद्वैताचार्य जी, आपने सुना था ना, माया सृजते अधः, माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, तो इसलिए अद्वैताचार्य जी को अवतार कहा जा रहा है। वो प्रभु के अंश अवतार है, भगवान के अंश अवतार है। तो ईश अवतार कौन हो गए, अद्वैताचार्य जी, उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं सब, लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर ओएसटी हो रहा है, होने दीजिए, सुनते रहिए। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म वंदो जार मुई दास। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं, वह भगवान के स्वरूप के प्रकाश हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, अब तक किसी को कुछ समझ में आया नित्यानंद प्रभु कौन है? खुशी, आपको पता है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, कौन है नित्यानंद प्रभु? वेरी गुड, बलराम जी। और बलराम जी किसके विस्तार हैं? कल नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट इसको, संकर्षण आपका भी ब्रेकफास्ट कैंसिल। बलराम जी कल आप बनाइएगा लेकिन खाइएगा मत। कृष्ण के, यस, कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी, वही नित्यानंद प्रभु। अब आप सोचिए, हम पढ़ाते पढ़ाते मरे जा रहे हैं लेकिन ये कालू मालू सीख नहीं रहे। अरे ये तो हमें तो महाप्रभु के बारे में सिखा रहा है, नहीं सीखेंगे हम, नहीं सीखेंगे, कोई बात नहीं, घबरा जाते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, तासा बार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। गदाधर पंडित आदि, ये प्रभु की निज शक्ति। अब ये बड़ा रहस्यमय है, गदाधर पंडित जी राधा रानी के अवतार है और ललिता जी के सम्मिलित अवतार है। समझ में आता है आदि क्यों बोला है? क्योंकि अन्य गोपी गण भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतरित हुए, जैसे गदाधर दास भी एक गोपी के अवतार है। ये एक अद्भुत बात है कि आज सुबह ही मुझे बात मालूम चली, ये आदि भी मैं नोटिस नहीं किया था। जो कल की बात थी उसको लेकर मैं रिसर्च कर रहा था, कृष्णदास गौर गणोदेश दीपिका में, तो वहां ये बात जहां आती है कि जहां पे गदाधर पंडित जी का वर्णन होता है उसके बाद अन्य उनके और जो पार्षद हैं वह सब शक्ति, वहां पे जो गोपियां इत्यादि उनके वह उनके वो अवतार हैं, तो उन सभी को वह भगवान की निज शक्तियां हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की निज शक्ति है, उनके विस्तार गोपियां हैं, तो उनके उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो सब महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं। तसवार चरणे मोरे सहस्त्र प्रणति, उनको हजार हजार प्रणाम कर रहे हैं। आप कृपया ये मत बोलिएगा, पहले तो करोड़ों कोटि नमस्कार और यहाँ हजार नमस्कार, वो एक ही मतलब है, कोटि नमस्कार या हजार नमस्कार, मतलब बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप। जब आप अत्यंत कृतज्ञ होते हैं तब हृदय से ये सब बातें बोलते हैं, प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत। खाली ऐसे बोलते नहीं, कोटि कोटि दंडवत प्रभु जी आपके चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रभु जी। ये तो एक फॉर्मल हो गया हृदय से, कि व्यक्ति सोचे हाँ आपने वाकई मेरा बहुत उपकार किया, ये भावना लेकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक शुद्ध भक्त मिलना कठिन है, ये तो महाप्रभु की कृपा है कि पूरी टोली घूम रही है, पूरी टोली की टोली, टोली समझते, समूह का समूह, जिन भक्तों का दर्शन भी दुर्लभ है, वो एक भक्त का पूरी टोली लेकर के महाप्रभु घूम रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, ये समझ में आया, तत्शक्ति की व्याख्या है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदार विंदे अनंत प्रणाम।
स्पष्ट समझ में आया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरण कमलों में अनंत प्रमाण है, सॉरी प्रणाम है। सवर्ण प्रभु रे करिया नमस्कार, इच्छयते हो यछे करिये विचार। सवर्ण प्रभु, जरा बताइए इसका अर्थ क्या है? सवर्ण प्रभु रे करिया नमस्कार, इच्छयते हो यछे। पार्षदों सहित पूरा पढ़ो। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन छह विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे, आज भी 8 बजे ही रुक जाते हैं क्योंकि कल नहीं करेंगे। कल हम लोग, कल होटल में कार्यक्रम है तो वहां पे हम लोग कुछ और हल्का फुल्का टॉपिक ले लेंगे, इतना तो हैवी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे हल्का फुल्का से मतलब वो कुछ कर लेंगे, भक्ति वृक्ष करना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले पारायण कराएंगे 14 श्लोकों का। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है मैं तो ले सकता हूँ। केशव सखा प्रभु, यू हैड अ क्वेश्चन? आप माइक तब तक पहुँचाइए जब तक मैं इधर भक्तों का कोई प्रश्न लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। हमने गुरु मतलब क्या सीखा? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ठीक। भक्त मतलब श्रीवास ठाकुर आदि जिसमें प्रधान है वो सब भक्त। निज शक्ति गदाधर पंडित और उनके भगवान के प्रकाश कौन थे? प्रकाश नित्यानंद प्रभु, उनके अवतार अद्वैत आचार्य जी, और भगवान कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये 6 को प्रणाम कर रहे हैं, इनके बारे में हमको समझ में आ गया। हाँ, अभी मैं इधर प्रश्न देख लेता हूँ फिर आपका प्रश्न देखेंगे। हायर एनर्जी एंटर्ड, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। प्रभु जी, मैं जब नाम करता हूँ तो हूँ या और कुछ भी जिससे भगवान कृष्ण की सेवा प्रत्यक्ष रूप में करता हूँ, तो क्या कृष्ण भी उससे प्रत्यक्ष रूप से एक्सेप्ट करते हैं? ये मैंने सुबह बता रहा था। द पर्सन हुम यू हैव कॉल्ड इज बिजी इन अनदर कॉल, ऐसा भगवान के संग कभी नहीं होता है। समझ में आया आपको? फोन करते हैं ना आप जिस व्यक्ति को क्या कहते हैं इसको, फोन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो किसी दूसरी कॉल में व्यस्त है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके आप कहीं और व्यस्त हो, ए हरि बोल, ए रघुपति प्रभु, आप रघुपति प्रभु को बुला रहे हैं लेकिन रघुपति भगवान सुन रहे हैं। ए भैया, कौन बुला रहा है? समझ रहे हैं? पता नहीं ये बात सबको समझ में क्यों नहीं आती है। आपका ध्यान कहीं पे भी हो, आप ये मत सोचिए कि आप ही को समझ में नहीं आती, हमारे जगत गुरु प्रभु है, वो मुझसे भी सीनियर भक्त हैं। जब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन सुने अभी, कहते हैं अच्छा उनको अब समझ में आया, कहते हैं अच्छा आपका मन कहीं और है लेकिन ठाकुर जी का मन आपके ऊपर, ये कोई कम बात है? और कैसा मन है? आपको बहुत मानते हैं कि हमारा नाम उच्चारण कर रहा है, ठीक है ना? कैसे भी कभी भी किसी भी तरह से भगवान का नाम उच्चारण किया तो सोचिए अगर आप गंभीरता से नाम करेंगे तो कितना फायदा होगा। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आके सुनिए, देखिए, श्रवण कीर्तन के बाद भी लोगों को संदेह लगता है, मेरा मन तो लग नहीं रहा है, क्या होगा क्या होगा, यही तो माया बोलती है। अरे जीभ को ही लगा लो, शरीर को ही लगा लो, ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे ना? शरीर लगा के बैठ के बड़े माला कर रहे हो, चल के जब कर रहे हो माला पकड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। जीभ से नाम टकरा रहा है, ये बहुत बड़ी बात, ये आसान बात नहीं है, ठीक है? तो भगवान उसको जिस रूप में आप बोल रहे हो उसी रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान ये भी देख रहे हैं कि मस्ती में नाम जप कर रहा है कि सीरियसली कर रहा है, उसका अंतर आ जाता है। क्योंकि ये भी बात है, मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग। अब देखो जो एकाग्रता से बड़े अच्छे जप करने का प्रयास करते हैं, खुद ही अनुभव होता है अलग है। और ये भी है कि हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण, वह भी बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका प्रभाव अपने चित्त में अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। आज ही मैं देखा एक दो माताजी प्रभु, ऐसे माताजी बैठी हुई हैं, जप चल रहा है और जप चल रहा है और गप भी चल रहा है। ये जो स्टाइल है ना क्रिकेट मैच देखने का, ये आप देखिएगा, आप इस प्रकार से बैठे हैं, हरे कृष्ण, ये आपकी मनस्थिति को प्रदर्शित करता है। जब हम इस प्रकार से जैसे हम बैठे हैं, ये आपकी मनस्थिति को प्रदर्शित करता है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मैं एकदम सजग होकर बैठा हूं तो ये मेरे मनस्थिति को प्रदर्शित करता है कि मैं ध्यान पूर्वक जप करना चाहता हूं। जब ध्यान पूर्वक न करने की महिमा ये है, तो जब आप एकाग्रता से करेंगे, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, तो कितनी भगवान कृपा करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है? तो अच्छे से करेंगे, भगवान हर प्रकार के नाम को स्वीकार करते हैं। ओके, व्हाट इज षडांग शरणागति?
षडांग शरणागति 18, कोई भगवद गीता खोलिए 18, वो क्या है वो सर्वधर्मान परित्यज वाला श्लोक कौन सा है 18 पॉइंट, प्रभुपाद इसको समझाते हैं 18 पॉइंट कौन सा है 65 है ना, क्योंकि सामने बरकर बोलना अच्छा रहता है तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, तो मैं जरा वो बता दूंगा उसमें क्या लिखा है। षडांग शरणागति के मतलब एक तो है अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के लिए अच्छा हो उसे स्वीकार करना और जो भक्ति के लिए अस खराब हो। 865 नहीं है, 66 कोई बात नहीं, तीर पास में लगा, 90% चांस, 90% ओके। 18.66 हरि भक्ति विलास में बताया गया 6 अंग है शरणागति के, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। देखिए हमें तो थ्योरी नहीं पता है प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें, लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहे हैं। भक्ति के लिए जो अच्छा है उसको आप स्वीकार करें, वो क्या है उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगतागा सतोवृत्ति षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 के अलावा और कुछ सातवां आइटम नहीं है। उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 1, 2, 3 तीसरा श्लोक उपदेशामृत का, ये आपकी भक्ति के लिए अच्छा है। प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए खराब हो उसको नहीं करना है। क्या है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 2 सॉरी विनश्यति, अगर प्रसिद्धति होता तो आसान होता लेकिन विनश्यति भक्ति नष्ट होती है। उपदेशामृत ग्रंथ है, इसको उनके द्वारा छापा गया है, मतलब शिल रूप गोस्वामी जी के द्वारा, और उसको प्रकाशित किया है प्रभुपाद जी ने। रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे विश्वास का पालन करना होता है। गोतृप्ति वर्णम तथा, बहुत नम्र होना होता है। आत्मनिक्षेप का गोतृप्ति मतलब कृष्ण मेरे पालक है, क्षमा कीजिएगा। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अपने को समर्पित करना कि कृष्ण मैं आपका दास हूं। कार्पण्य मतलब नम्रता। षड विधा शरणागति, समझ में आया। अनुकूल से संकल्पनम 1, प्रतिकूल से वजनम 2, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे तीसरा, कृष्ण मेरे पालक हैं चौथा, और अपने को समर्पित करना कृष्ण मैं आपकी सेवा में आया हूं मुझे स्वीकार कीजिए, और कार्पण्य मतलब नम्रता। ये 6 षडांग शरणागति कहलाते हैं। तो इसमें कम से कम पहले 2 को तो हम करने का प्रयास करें, ये हमें करना है। जो बस भक्ति के लिए अच्छा है उसे स्वीकार करें, और जो भक्ति के लिए खराब है उसको हम अस्वीकार करें। बहुत आसान होता है लेकिन इतना करना कठिन है, क्योंकि जो बातें हमको अच्छी लग हमारे लिए अच्छी होंगी भक्ति के लिए, जरूरी नहीं कि हमको अच्छी लगे। जैसे मंगल आरती में जाना, मंगल आरती में जाना अच्छा नहीं लगता हो किसी को, हो सकता है, लेकिन उठना चाहिए क्योंकि वो अच्छा है। और संग्रह करना अच्छा नहीं है, या सत्संग हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो चलेगा प्रभु जी, थोड़ा तो थोड़े से फर्क पड़ने पड़ता है, लिटिल बिट तो चलता है, थोड़ा क्रिकेट तो देख ही सकता हूँ, इज इट नॉट दैट बैड, न्यूज देखने में क्या दिक्कत है। तो आप समझ सकते हैं कि असत्संग में हम आसक्त हैं, इस कारण से दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आप चर्चा का हम आगे बढ़ाएंगे जब कभी पढ़ेंगे तो उसको। Is there any difference in saying अंश अवतार and पूर्ण अवतार, like you said अद्वैत आचार्य as अंश अवतार। स्वा अंश अवतार जो है विष्णु तत्व होते हैं। पूर्ण अवतार क्या कहना चाहते हैं मुझे पता नहीं, पूर्ण अवतार तो हमने कभी बोला नहीं यहाँ पे, पूर्ण अवतार से क्या प्रयोजन हम नहीं जानते आप क्या कहना चाहते हो। अवतारी के बारे में कह रहे हैं तो अवतारी तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। निज शक्ति इज सेम एज हलादिनी शक्ति, क्या निज शक्ति का अर्थ हलादिनी शक्ति है? यस श्रीमती राधारानी, निज शक्ति का मतलब हाँ वही हुआ हलादिनी शक्ति। ओके पूछ रहे हैं कि भागवतम क्लास हैज बीन मूव्ड टू विच टाइम, सेम टाइम 6:30 मूड है, बहुत पहले से चल रही है। इज इट नेसेसरी टू हैव द सेम मूड ऑफ बोथ शिक्षा एंड दीक्षा गुरु, दे हैव द सेम मूड। अरे वाह क्या प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के दोनों के मूड को स्वीकार करना होगा क्या, दोनों में अंतर है क्या? अब आप सर्क हो जाएंगे, दोनों में अंतर कैसे हो सकता, अंतर कैसे हो जाएगा, क्या थोड़ा सा अंतर हो जाएगा? अरे ये बताइए, नहीं नहीं मूड मूड भाव की बात कर रहे हैं। दीक्षा गुरु चाहते हैं कि हम जगत में सड़ते रहें, और शिक्षा गुरु तो अंतर क्या हो गया शिक्षा में? अभी अभी घबराइए मत, सब बातें अभी एकदम क्लियर होने वाली हैं। आगे कोई भेद नहीं है, बस वो कार्य भेद है, कार्य अलग अलग थोड़े से तरह से कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा गुरु भी यही कर रहे हैं कि उद्धार हो और शिक्षा गुरु भी उद्धार करने के लिए। आई हैव करेक्टेड यू ऑलरेडी, यहाँ प्रश्न समाप्त। आप प्रभु जी प्रश्न कीजिए, ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण जी। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि
थोड़ा जोर से बोलिए। शिक्षा मतलब गुरु जो दीक्षा गुरु हैं वही प्राइम शिक्षा गुरु हैं। जो प्राइम शिक्षा देखिए एक अभी हो गया, जो प्राइम शिक्षा गुरु है वो दीक्षा गुरु है, अंतर हो गया। जो दीक्षा गुरु है वही प्राइम शिक्षा गुरु है, ये नहीं बोला जा रहा। जो प्राइम शिक्षा गुरु है वो दीक्षा गुरु, वैसे ज्यादा अंतर नहीं हुआ बात में, लेकिन कहने डिफरेंस ये है कि पहले शिक्षा ग्रहण करिए फिर दीक्षा ग्रहण कीजिए। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने 2003 में कृष्ण भावना में आया और 2010 में दीक्षा ग्रहण करी। यहाँ तो लोग दो महीना जूम पे आते कहते दीक्षा दिलवा दीजिए, हम कहेंगे दो साल तक जब मैं आऊ तब दिलवाऊंगा, नहीं लेंगे हम किसी और से कान फकवा लेंगे तो कान के पूरा शरीर फकवा लो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ दो साल बैठ के सामने जब करना पड़ेगा तब करवाऊंगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप होते हुए देखा लोगों को। अब नहीं चाहता कि एटलीस्ट मैं जिनको दीक्षा दिलवाऊंगा ड्रॉप करेगी, वो ड्रॉप होंगे तो इधर मेरी भी भक्ति ड्रॉप होगी, एनफ ऑफ इट। नहीं, वी वॉन्ट सम सीरियस पीपल हु रियली वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड हेड। प्रभु जी हमसे 3.5 नियम ही पालन होते हैं, 4 नहीं होते, so we don't want that. Anyways, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। एक तो जैसे आपने कहा माइक पे बोलिए, जो प्राइम शिक्षक जनरली स्कूल में क्या होता है, प्राइम जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक नहीं होते। ओके, अब इनका प्रश्न ये है कि ये मुझे पता था कि प्रश्न होगा। देखिए इनका प्रश्न ये है कि जो हमारे मुख्य शिक्षा गुरु होते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु नहीं होते, ये ऐसी बात नहीं है। जनरली नहीं, जनरली वो जनरल गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभुपाद सिद्धांत नहीं बता रहे, जैसे मैं जो लोग हिंदी जानते हैं मैं उनको परम पूज्य राधाकुंद महाराज जी को बोलता हूँ से दीक्षा लेने के लिए बोलता हूँ। और पहले क्या बोला आप लोगों को, प्रवचन सुने, प्रवचन सुने ना आप लोगों ने, और अब भी सुन रहे हैं आप, आश्चर्य करेंगे। परम मेरे एक मित्र हैं, नाम नहीं रख रहा हूँ, उनकी महाराज जी से दीक्षा हो गई राधाकुंद महाराज जी से, और लेक्चर नहीं सुने थे उन्होंने तब, मैंने कहा लेक्चर सुनो, जब सुने तो कहते अब मुझे लग रहा है मेरे गुरु महाराज हैं। क्वाइट गुड, क्वाइट नाइस, नाइस अंडरस्टैंडिंग। साधुओं से शिक्षा का संबंध होता है, गुरु महाराज के दर्शन कर लें, गुरु महाराज के दर्शन कर लें। अरे गुरु महाराज जो दर्शन दे रहे हो तो ग्रहण नहीं कर रहे तुम। आज हमने गुरु महाराज से फोटो, देखो मेरा फोटो है, इस भावुकता से बाहर निकले। गुरु महाराज बोल रहे हैं जब मैं मत सो। एक माता जी को हमने दीक्षा दिलवाई, खूब सोनी थी, खूब डांट लगाई, मैंने कहा माता जी मैंने दीक्षा दिलवाई आपको, मेरा नाक का मत कटवाओ, अब कम से कम सोना बंद किया हमने। तो मेरी बात समझ रहे हैं कि ठीक है, मान लीजिए मैं किसी को गाइडेंस दे रहा हूँ, भक्ति करवा रहा हूँ, तो मैं तो दीक्षा गुरु नहीं हूँ, मैं तो दीक्षा गुरु हूँ ही नहीं। तो अब जिनसे एटलीस्ट मैं कनेक्ट करता हूँ उनको बोलता हूँ कि पहले आप महाराज जी के प्रवचन सुनिए, नहीं तो आप कहेंगे अरे ये वैष्णव अरे बीमार कैसे पड़ गए, बस वहीं पतन हो जाएगा। वो हमेशा भगवान के संरक्षण में, वो तो भगवान केवल लीला कराने लीला कर रहे हैं अपने भक्त को, बस रखते ताकि शिष्यों को सेवा का मौका मिले, नहीं तो कोई छू सकता है महाराज को, कोई नहीं छू सकता। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो पॉलिसी इस्कॉन की है और उसमें कुछ मिस्टेक्स, इस्कॉन की पॉलिसी गड़बड़ नहीं, इसीलिए इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करवा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि आप पहले शिक्षा गुरु को घर अपने दीक्षा गुरु के प्रवचन सुनिए उसके बाद आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। और हमारे बहुत सारे शिक्षा स्टूडेंट हैं जो राधाकुंज महाराज से शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, किसी और से लेना चाहते हैं, मैं तो नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको उनसे उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, सुनिए 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 वो क्या कह रहे हैं। डज इट मेक सेंस? And it also does not mean that you have only one Shiksha Guru. Just like I have my spiritual master, His Holiness Radhanath Maharaj. And also have my spiritual master, His Holiness Radha Govind Maharaj. Dono ki pravachan mein shravan karta hu. Dono se prerna milta hai, dono ka photo mere room pe hai. Does it make sense? मेरी क्वेश्चन बोलिए, बहुत लंबा प्रश्न मत कीजिएगा फिर भी। हाँ हाँ, शिक्षा गुरु जैसे बहुत होते हैं, तो उन शिक्षा गुरु में किसी को एक टाइम होना होते हैं सारे शिक्षा गुरु बराबर हैं? भाई स्वाभाविक सी बात है कि हर शिक्षा गुरु आपको हर प्रकार से शिक्षा नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई तिलक लगाना सिखाएगा लेकिन वो आपको चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा पाएगा, उसमें भी अंतर, लेकिन सबको नमस्कार करना है, सबको प्रणाम तो करना है, सबको सबको हाउ टू से सम्मान देना है, इज इट नॉट? हे तुमने तो केवल तिलक लगाना सीखा, हर किनारे से हर ऐसा नहीं, कोई प्रणाम करना सिखा रहा है। जैसे देखिए अभी मैं गुरु पूजा के लिए मंदिर में चला जाता हूँ तो कोई डिवोटी है ना, बोलते हैं सभी भक्त लोग प्रणाम कीजिए तुलसी देवी को, सॉरी नहीं प्रभुपाद जी को प्रणाम कीजिए, वो सिखा रहे हैं कि आप प्रणाम करें, तो वह भी हमारे शिक्षक गुरु। We must learn to pay respects, then we advance very nicely. बहुत भक्तों का उपकार है, बहुत भक्तों का उपकार है हमारे पास। कभी कभी तो हम बाएं हाथ से खा रहे थे, पता भी नहीं था कि कौन से हाथ से खाना चाहिए, तो किसी ने सिखाया प्रभु जी ये दाएं हाथ से, तो वह भी हमारे गुरु हैं। और ये स्मरण करने लीजिए बहुत सारे गुरु है, तो कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। Can we have more than one prime शिक्षा गुरु? Yes, हमारे दो तीन, दो से अधिक शिक्षा गुरु भी मुख्य हो सकते, प्राइम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे, अगर वाकई शिक्षा गुरु है तो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखेंगे लाइफ की स्टेज में देर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट शिक्षा गुरु ऑल्सो।
वैसे मान लीजिए शुरुआत में कोई भक्ति में लेके आया, उसको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आपने उसको हरे कृष्ण मंत्र बताया, उसने उसने आपको हरे कृष्ण मंत्र बताया, पुस्तक दी, तो वो भी सम्माननीय है कि नहीं? भले हो सकता वो आपको और ना सिखा पाए, जैसे आपके नर्सरी के टीचर को आप असम्मान करेंगे, क्यों केशव सखा प्रभु नर्सरी पढ़े हैं ना आप, अब पता नहीं आपके नर्सरी के टीचर जिंदा है कि नहीं, लेकिन अगर जिंदा है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नर्सरी के टीचर को मान लीजिए बहुत ज्ञान नहीं है, तो क्या हम उनको हमारे हमारे लिए असम्माननीय है? कुछ भी हो, पथ प्रदर्शक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु हो तो किसी काम के नहीं ना। ज्यादा प्रश्न नहीं करिए, जो कुछ भी गुरु हैं, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो बोल रहा है इधर जा रहो, तो वो सब हमारे लिए सम्मान है। किसी को भी असम्मान करने का बहाना मत ढूंढिए, कोई भी नहीं। एवरीबडी हु इज टीचिंग अस, अरे जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं भक्ति संदर्भ में, जिसने एक भी श्लोक सिखाया है वो हमारा शिक्षा गुरु है, एक भी श्लोक। हम कृतज्ञ नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल बोल रहा हूं, हम अपने हृदय में कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते, इस कारण से मैं कोई कुछ व्यक्तिगत बात मेरे संग, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं कैसे मैं अकृतज्ञ हो गया, कृतज्ञ हो गया, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जस्ट वेरी बैड, आई फेल्ट वेरी बैड, फिर मैंने उसे क्षमा मांगा। एनीबॉडी हैज डन एनीथिंग टू यू शुड बी एबल टू रिमेंबर। ध्रुव महाराज ने 36,000 साल बाद अपनी माँ का स्मरण किया कि उन्हें भगवान विष्णु की तरफ मुझे प्रेषित किया था, और तो कोई शिक्षा नहीं दिया था। तो ये एक महान भक्त का लक्षण है, जितना महान कोई व्यक्ति होगा वो अपने ऊपर किए गए उपकारों को हमेशा याद रखेगा। Does it make sense? क्षमा कीजिए मैं थोड़ा सा हैवी हो जा रहा हूँ सब बातों पे, लेकिन ये बहुत कठोर बातें हैं, बात सिंपल लगती है लेकिन अपने भक्ति के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं प्राप्त हो रही, सम्मान करूँ करना चाहिए। यस, जगन्नाथ दास बाबा जी डिसअपीयरेंस डे पर क्या पता नहीं क्या प्रश्न कर रहे, अगर हम गुरु के पास में हैं तो क्या दर्शन करने की इच्छा गलत है क्या, केवल दर्शन करने की इच्छा हो तो? और ये मेरे वचन नहीं है, ये मेरे वचन नहीं है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी प्रवचन कर रहे थे और लोग शेष शाही भगवान के दर्शन करने चले गए, तो उन्हें क्या बोला, आई एक्सरसाइज, तुम भगवान को क्या देखोगे, मैं यहाँ तुमको भगवान के बारे में बता रहा हूँ और तुम वहां जाकर केवल आई एक्सरसाइज करने वाले हो, केवल आंखों की कसरत। तो मुख्य बात साधुओं के संग में बैठ करके श्रवण कीर्तन करना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, और श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है तो फिर लाभ तो होगा, ये मेरे वचन नहीं है, अब क्या बोलूं आप, पर मुझे राधा मोहन महाराज जी के प्रवचन, और उस दिन हमें भागवत के श्लोक सुने थे, उक्ति भी साधु काटते हैं, जैसे डॉक्टर लोग कैसे काटते हैं, रुई से और फावों से काटते हैं ना डॉक्टर साहब, ऐसे काटते हैं, हृदय का ऑपरेशन कैसे करते हैं, अरे कैंची तो बहुत लगती होगी, कटता होगा, खून निकलता होगा, लेकिन सारी जो ब्लॉकेज है हृदय के वो सब गायब हो जाएंगे। तो साधु लोग कटिंग बातें बोल सकते हैं, वो हमारे आसक्ति कटता है, लेकिन उक्ति भी एकदम स्पष्ट भागवत का शब्द, उक्ति बोलने से हमारा ज्ञान नष्ट होता है, और अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैं रेफरेंस तो नहीं दे सकता कि महाराज के उस प्रवचन में उस टाइमिंग पे ये बोला, लेकिन ये सब महाराज के वचन है कि हाँ साधु के दर्शन से भी लाभ होता है, लेकिन मुख्य लाभ है उसके द्वारा श्रवण करने से, प्रसंग करने, सुनने से। ओके, क्योंकि डरना डरन का भी तो बहुत, दर्शन का भी तो बहुत लाभ है, जरा बताइए कितना लाभ है, एक मिनट, अब मैं डांट लगाने वाला हूं, साधुओं के दर्शन से क्या लाभ होता है धीरज प्रभु, अब बताओ साधुओं के दर्शन से क्या लाभ होता है, क्या मिलता है, क्या हो जाता है, आपको विश्वास है कि साधुओं के दर्शन से कुछ फायदा होता है? हाँ, क्या फायदा होता है, जरा दीजिए माइक इनको, हाँ बताइए, डांट नहीं खाली मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, क्या क्या फायदा होता है साधुओं के दर्शन से, पाप कटते हैं, पाप कटते, कैसे मालूम चला, क्योंकि हाँ कैसे मालूम चला, क्योंकि उनमें तप होता है ना, कैसे मालूम चला, पढ़ के, हाँ आवाज समझ में आई बात, श्राद्धों के दर्शन से फायदा होता है, यह भी आपको श्रवण के द्वारा मालूम चला है। Does it make sense? साधुओं के दर्शन में विश्वास भी श्रवण, उसका आधार भी श्रवण है, नहीं तो भर हमको तो बहुत बहुत लोग भक्त, हमको मतलब साधुओं को तो बहुत लोग झड़क भी देते हैं, पेट पालने के लिए बन गए, तो समझ रहे हैं मेरी बात।
तो जिसने प्रश्न किया है कि दर्शन का भी तो बहुत लाभ होता है, यस दर्शन का बहुत अधिक लाभ होता है, दर्शन का, फिलॉसफी का, सिद्धांत का। कृष्णदास कविराज को इसे मिला है, यहाँ पे आप मिलोंगे रघुपति प्रभु, आप तो काफी वृद्ध हो गए, जरूर मिले होंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी से। केशव सखा प्रभु आप, माता जी मेरी माता जी, आप मिली है कृष्णदास कविराज गोस्वामी से? और कोई वृद्ध व्यक्ति यहाँ पे? और आप देख रहे हैं सहज रूप से अनुभव, अच्छा उनसे नहीं मिले, प्रभुपाद से तो मिले होंगे ना आप लोग? आप देख रहे हैं ना प्रभुपाद जी को केवल श्रवण करके हम उनके प्रति जीवन समर्पित कर रहे हैं। मैं थोड़ा एम्फैटिकली बोल रहा हूँ, साधुओं से संबंध केवल श्रवण के द्वारा मुख्य रूप से होता है। ब्रह्मपुज राधा गोविंद महाराज से मुझे क्यों प्रेम है? श्रवण करके। अपने गुरु महाराज से तो मैं शायद पानी भी नहीं दे पाया आज तक जिंदगी में, उनको पानी भी नहीं दे पाया। एक बार जब कर रहे थे महाराज, एक बार आए भक्त, बोले सीनियर कॉर्ड ब्रदर चलो पानी लेके आओ, तो पानी लेके आया, महाराज ने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा। महाराज बीमार पड़ गए थे, मैं दवा लेके गया, आया, मैंने पूछा महाराज ने ली? कहते नहीं महाराज ने नहीं ली। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं हो सकता। केवल दो बार मृदंग बजाने का मौका मिला है। मेरे गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी की बहुत सेवा नहीं कर पाए, ऐसे साक्षात रूप से बहुत नहीं कर पाए। अब मैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी व्याख्या हम यहाँ पे नहीं कर रहे, अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, अभी हम प्राण कराएंगे। प्राण की फाइल भी आप लोगों के पास भेज दी गई है, नहीं तो आप लोग जूम पे देखिए, बस 14 श्लोक के, घबराइए मत, लेकिन उसको बोलना थोड़ा सा सेटअप है, लेकिन घबराइए मत, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा सुंदर रूप से सजाने का प्रयास किया है, पहला वाला तो आसान है, व्यसंग बोलिए। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम, नहीं मिला अब तक, शेयर करने की जरूरत तो नहीं है, दिख ही रहा होगा साइड में, नहीं दिख रहा आपको जूम में? हाँ, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। अब तो पकड़ में आ गया श्लोक का अर्थ, पारायण करेंगे तो अच्छा नहीं से समझ में आता रहेगा। ओके, वंदे श्री कृष्ण चैतन्या नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदौ। एक मिनट, फिर भूल गया मैं, इतना कठिन श्लोक है इसका बोलना, अभी मुझे फिर से इसको सुनना पड़ेगा ऑडियो, लेकिन ऑडियो अब कल वाला ही प्रयास करते हैं, तो इतना टू टफ। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मांतरयामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षट् ऐश्वर्य पूर्ण इह भगवान स स्वयं अयम्। यह भगवान स स्वयं अयम् न चैतन्यात् कृष्णा जगति परतत्वं परम इह। ये थोड़ा टफ था, अगला वाला आसान है। अब मेरे संग गाने का प्रयास कीजिए, और नहीं है तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी गई है, आप चैतन्य चैतामृत ग्रुप में देख लीजिएगा, उसका अभ्यास कर लीजिए। अब इसको थोड़ा अलग तरह से गाएंगे। अनर्पते अनर्पिता चरिम चिरात कर्णयावतीर्णः कलौ। माइक भी बोलिए। अनर्पिता चरिम चिरात कर्णयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम्। उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचिनन्दनः। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्तिरस्मा
एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ स्पीक इन द माइक चैतन्नाख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम् कृष्ण स्वरूप। अब थोड़ा आसान हो रहा है, इज नॉट, अभ्यास से आसान हो जाता है। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरम्या स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भसिन्धौ हरिन्दुः तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भसिन्धौ हरिन्दुः। क्यों भाई, अब कैसे बोल पा रहे हैं विपिन प्रभु? कल बोल रहे थे प्रभु जी इट्स टू लॉन्ग। अभ्यास से होता है बेटा, करने से होता है, ठीक है। जहां आपने बस किया अब तो आसान है, आप सब लोग सब साथ में गाइए। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भो दशाई चपयो भिषाई शेषस्य यस्यांश कलह सनित्या नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये माया भर्त जांड संघाश्रयांगः शेते साक्षात्कार नमोहि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमानादि देवास् तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये यस्यांशांश श्रील गर्भो दशाई यन्नाप्याभ्यं लोक संघात नारम लोका सृष्टु सुविका राम धातुस् तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये यस्यांशांश परात्मखिलानाम पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धा दिशाई शौणी भर्ता यत् करा सोप्यनन्तस् तं श्री नित्यानन्द रामं प्रपद्ये महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यः सृजत्यतः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिणा द्वैतात् आचार्यं भक्तिशंसनात् भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हरे कृष्णा कृष्णा।